भगवान धन्वंतरी के चरणों में वंदना करते हुए लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम हमने शोध विधि ज्ञान सप्ताह रखा है। इस सीरीज लेक्चर सीरीज को प्रारंभ करने से पूर्व हम हमारे आदिदेव, हमारे प्रवर्तक और हमारे मार्गदर्शक भगवान धन्वंतरी की वंदना करेंगे। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर मांडवी गौतम को कि आप भगवान धन्वंतरी की वंदना प्रस्तुत करें। डॉक्टर मांडवी गौतम। जय जय हे धन्वंतरि भगवन् तव चरणौ प्रणमामः देवदनुज नरवन्दित गदहर शरणं तव श्रयामः जय जय हे धन्वंतरि भगवन् मथित पयोनिधि स्वास्थ्य जय सुललाम जय जय हे धन्वंतरि भगवन् स्वतंत्र भारती सततमिदं वाचाम जय जय हे धन्वंतरि भगवन् तव चरणौ प्रणमामः देवदनुज नरवन्दित गदहर शरणं तव श्रयामः जय जय हे धन्वंतरि भगवन् धन्यवाद। जैसा कि मैं आप सबको बता रहा था कि आयुर्वेद में अभी कोरोना युग में, कोरोना काल जब आया तो आयुर्वेद में रिसर्च का बड़ा महत्व आया कि रिसर्च आयुर्वेद में रिसर्च होनी चाहिए और पैरामीटर्स के आधार पर होनी चाहिए, मॉडर्न पैरामीटर्स के आधार पर होनी चाहिए। इस बारे में विचार किया कि आयुर्वेद में रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो पैरामीटर्स हैं या जो स्टेटिक्स हैं, उसकी जो जो भी नॉर्म्स हैं या जो सिद्धांत हैं, उनको ही पकड़ हमारे विद्यार्थियों की नहीं हो पाती है। कि पीजी स्कॉलर जब आते हैं तो वो केवल अपनी पीजी पर, रिसर्च पर पूरी तरह से उन क्राइटेरियाज के आधार पर ध्यान नहीं दे पाते हैं जिनकी आज के समाज में, आज की में आवश्यकता है। और यही हमें आयुर्वेद की टेक्नोलॉजी, आयुर्वेद के सिद्धांतों को इस न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझाना भी है पूरे समाज को, तभी जाकर हम विश्व प्रासंगिक, और जैसा हमारे सरकारें भी चाह रही है कि आयुर्वेद के भी कुछ डेटाज, कुछ साइंटिफिक डेटाज, कुछ साइंटिफिक रिसर्चेज उन पैरामीटर्स पर निकल कर आए, तो उसी उद्देश्य से ये एक सोच हमारे आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर किशोरीलाल जी शर्मा और हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं प्रोफेसर महेश जी व्यास सर, इनके चिंतन में आई कि आयुर्वेद के स्कॉलर्स को और आयुर्वेद की फैकल्टी को इस सब्जेक्ट में पारंगत करें ताकि वो जो भी रिसर्च करें या करावें तो उसमें इन पैरामीटर्स का ध्यान रख के आगे बढ़े, तो रूप से आयुर्वेद में इसमें हमें सफलता मिलेगी। अब मैं इसी क्रम में प्रोफेसर महेश जी व्यास सर, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली में पीएचडी के डीन भी हैं और मौलिक सिद्धांत विभाग के आदरणीय विभागाध्यक्ष भी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया स्वागत भाषण प्रदान कर मार्गदर्शन प्रदान करें आदरणीय डॉक्टर महेश जी व्यास सर। गुणत्रय विभेदेन मूर्तित्रयम् उपैषे त्रयी भुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकी पतये नमः। डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर मूविंग ए स्टेप अहेड एंड दैट इज गोइंग टू कवर माइल्स टुगेदर बिकॉज रिसर्च इज द नीड ऑफ अवर फॉर एस्टेब्लिशिंग आयुर्वेद एट ग्लोबल प्लेटफॉर्म। वी द आयुर्वेद फर्टिनिटी well aware about the concepts and greatness of our science, but our principles and facts need to be validated. I feel very happy
that Vishwa Ayurved Parishad Rajasthan unit is conducting lecture series on research methodology and clinical statistics, and stalwarts of Ayurveda are going to speak on their respective topics. Today, we are blessed to have with us Professor Dr. Anup Thakurji, Honorable Vice Chancellor, Gujarat Ayurved University and Director, ITRA Jamnagar, which is recently being awarded as Institute of National Importance by Government of India. It's honor for all of us to have you with us, sir. Professor Anup Thakur, sir, known for his cool, calm and composed personality, makes him the most accepted orator among Ayurvedic fraternity. Sir has various national and international research projects under his sprawling career in Gujarat Ayurveda University, Jamnagar. His clinical and research skills have immensely contributed in putting brakes on outbreak of COVID-19 in Gujarat. Once again, I wholeheartedly welcome you, sir. We have renowned speakers, Dr. Nitin Sharma ji and Dr. Supriya Bhale Rao, who will in depth enlighten the viewers. I congratulate Dr. Kishori Lal Sharma ji, President Vishwa Ayurved Parishad Rajasthan, Dr. Rahul Parashar ji, Co-Organizing Secretary, Dr. Vinod Gautam ji, Organizing Secretary, Dr. Devendra Chahar ji, Convener, and the whole team of Vishwa Ayurved Parishad Rajasthan for their enormous efforts in bringing out this webinar. Thank you all the viewers for joining us, and I hope this webinar going to be a huge success. Thank you one and all. Dr. Anup ji join ho chuke hain? Ji sir, ji sir. Dr. Anup Thakur ji? To Amay ji. Ji ji. To bas main yahi kehna chahunga Vishwa Ayurved Parishad ki taraf se ki hum sab saubhagyashali hain कि आज हमारे बीच में इस रिसर्च मेथोडोलॉजी ज्ञान यज्ञ जो शुरू हो रहा है, इसको प्रारंभ करने के लिए गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनूप ठाकर जी यहाँ पर उपलब्ध हैं, और हम सबके लिए हर्ष की बात है कि आईटीआरए या गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर का जो पीजी इंस्टीट्यूशन है वो INI इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस भारत का पहला इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है, और वो डॉक्टर अनूप ठाकर जी के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और ये हम सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में आयुर्वेद का रिसर्च, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, फार्माकोग्नोसी हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, सभी चीजें वेल एस्टेब्लिश्ड लेबोरेटरी के साथ में रिसर्च जहां पे हो रहा है, वो इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए, वचन देने के लिए हमारे बीच में है। तो मैं एक बार पुनः हमारे दोनों ही गेस्ट स्पीकर्स, डॉक्टर सुप्रिया जी का, डॉक्टर नितिन जी का, और स्पेशली प्रोफेसर अनूप ठाकर जी का, और डॉक्टर किशोरी लाल जी जिनके नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम ये हो रहा है, पूरी टीम का, राजस्थान की पूरी टीम का, और जो हमारे इसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं पूरे भारतवर्ष से, उन सबका एक बार पुनः मैं विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से स्वागत करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपके ब्लेसिंग्स और आपके मार्गदर्शन हमेशा हमारे लिए इंस्पायरिंग रहते हैं, और ये आपकी प्रेरणा ही थी कि इसकी वजह से हम ये लेक्चर सीरीज कर पा रहे हैं। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर अनूप ठाकर साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर, सर का जितना भी परिचय दिया जाए बहुत कम है। जैसा कि अभी महेश जी व्यास सर ने भी बताया कि जो अभी मोदी जी ने दो इंस्टीट्यूट को, भारत सरकार ने दो इंस्टीट्यूट को जिम्मेदारी दी थी आयुर्वेद में कुछ रिसर्च वर्क जारी किए जाएं, जिसमें एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और एक जामनगर गुजरात का IPGT आर्य इंस्टीट्यूट जो था उसको दिया। उसमें आदरणीय प्रोफेसर अनूप ठाकर साहब को डायरेक्टर का पद उसमें दिया गया है। तो ऐसे हमारे VC सर का मैं निवेदन करता हूँ कि हमें मार्गदर्शन दें, हमें प्रेरित करें, आशीर्वचन प्रदान करें। प्रोफेसर अनूप ठाकर सर, आपके परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परम मित्र और विश्व आयुर्वेद परिषद के पदाधिकारी और
अविरत विश्व आयुर्वेद परिषद के विकास में फ्रॉम द डे वन लगे हुए और बहुत मौलिक सिद्धांत के विद्वान ऐसे प्रोफेसर महेश व्यास जी, और बहुत कम ऐसे विद्वान हैं जो संस्कृत धारा प्रवाह जानते हो और आयुर्वेद भी समझते हो और मॉडर्न भी समझते हो, तो वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। ऐसे मेरे अजीज मित्र डॉक्टर महेश व्यास जी, आज के दोनों स्पीकर डॉक्टर नितिन जी एंड डॉक्टर हमारी मित्र हैं श्री डॉक्टर सुप्रिया बालेराव जी एंड किशोरी लाल जी, जो कि राजस्थान विश्व आयुर्वेद परिषद के को संभाल रहे हैं और जिन्होंने ये कार्यक्रम को आयोजन करने की जहमत उठाई और परिश्रम किया, और ऑल अदर ऑफिस बेरर ऑफ द विश्व आयुर्वेद परिषद ऑफ राजस्थान एंड अदर प्लेसेस, और आज जो हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे जिज्ञासु जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जानने के लिए उत्सुक है। ये सही में बहुत अच्छा इनिशिएशन है और ये एक यज्ञ है। आज की डेट में हम जब देख रहे हैं कि कोरोना काल में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि भाई आयुर्वेद इफेक्टिव है और है भी, और बहुत सारी जगहों पे आयुर्वेद को जबरदस्त प्रतिभाव मिल रहा है। जब विविध संस्थानों के प्रयास से, आयुष मंत्रालय के प्रयास से और बाकी सब प्रयासों की वजह से बहुत अच्छा प्रतिभाव आयुर्वेद को मिला है और कोरोना में आयुर्वेद के लिए एक नया उदय हुआ है, पर इसके साथ हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हुई है, क्योंकि ये जो उदय हुआ है वो उदय अगर हमें उसको टिकाए रखना है और विश्व के स्तर पे ले जाना है, जो डिमांड है, जो जो आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बढ़ी है उसको टिकाए रखना है, तो मित्रों हमें रिसर्च तो करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया जो है वो भाषा आंकड़ों की और प्रूफ की या तो एविडेंस की ही समझती है, और जब तक हम वो एविडेंस जनरेट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी फुटेज वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में नहीं रख पाएंगे, और वो रखना है तो हमें रिसर्च, और ऐसा रिसर्च नहीं कि भाई चलो एक ग्रुप ये ले लिया, वो एक ग्रुप वो लिया, इतने पेशेंट इसमें कर दिए, इतने पेशेंट इसमें कर दिए, जो कि आयुर्वेद में ज्यादातर लोग जानते हैं रिसर्च के नाम पे, वो नहीं। हमें संशोधन के क्षेत्र में जो भी अपडेट होता रहता है, जो भी चेंजेस आते रहते हैं, उससे अवगत होना पड़ेगा, प्रॉपर रिसर्च मेथोडोलॉजी अपनानी पड़ेगी, प्रॉपर जो भी लेटेस्ट है, जो एक्सेप्टेबल है, उसको अपनाना पड़ेगा, और फिर हम रिसर्च करते हैं तो वो स्वीकार्य बनेगा और स्वीकृत होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद में बहुत सारे एमडी के रिसर्च होते हैं, एमडी के लेवल पे रिसर्च होते हैं, पीएचडी पे होते हैं, और अन्य लोग भी प्रैक्टिशनर्स भी करते रहते हैं, पर समस्या वहां है कि जो भी संशोधन करते हैं या शोध कार्य करते हैं वो पूरी विधाओं से ज्ञात नहीं है, और इसलिए उनका जो प्रयत्न है, उनके संसाधन जो लगते हैं, जो मानव कलाक लगते हैं, जो एफर्ट्स लगते हैं, और जो एनर्जी जाती है, और जो बाकी सब समय भी जाता है, वो सब व्यर्थ जाता है, और वो डाटा हमको ये लगता है कि हमने इतना सारा काम कर दिया पर नोबडी इज एक्सेप्टिंग, कोई स्वीकार नहीं कर रहा, तो वो इसलिए स्वीकार नहीं हो रहा है कि जिस मानदंड पे, जिस मानकों पे वो संशोधन होना चाहिए था वो नहीं है। तो अगर वो उस मानकों पे हम वो रिसर्च करें, शायद हमें जो हमने प्रयास किए उसमें से 20% ज्यादा करने हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, हमें वो मात्रा पता नहीं था। ज्यादातर लोग जिनको पूछो कि जो रिसर्च में ये लैक्यूना है, तो वो कहेंगे आपको आयुर्वेद में खास करके कि हमें तो ये पता नहीं था, हमें पता होता तो हम ये भी कर देते। तो बात यह है कि ये पता लगाने की जरूरत है, आयुष मिनिस्ट्री भी उसमें लगी है और विश्व आयुर्वेद परिषद ने ये इसको एज अ मिशन लिया है। बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय बात है, और आज की जो युवा पीढ़ी है बहुत उत्साह रखती है और बहुत जिज्ञासु भी है और नए नई चीजों को आगे लाने के लिए उत्सुक भी है, और उनको दुनिया भर में जो हो रहा है, ग्लोबली जो घटित हो रहा है उससे वो ज्ञात भी हैं। उनको बस उनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट देने की जरूरत है, साधन देने की जरूरत है, उनको सज्ज करने की जरूरत है। दे कैन डू अ लॉट, मैं उस मामले में जरा भी साशंकित नहीं हूँ। मुझे हमारे युवा धन पे पूरा भरोसा है कि वो आयुर्वेद की सूरत
बदलने में और विश्व स्तर पे ले जाने में बहुत सक्षम है। बस जरूरत है तो उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग करने की, उनको सशक्तिकरण करने की, उनका एम्पावरमेंट करने की, और उनका जो कहते हैं कि जरूरी है उससे उनको अवगत कराने की। तो ये कार्य विश्व आयुर्वेद परिषद की माध्यम से हो रहा है। मैंने पूरा प्रोग्राम देखा, उसमें बहुत अच्छे वक्ताओं को, रिसर्च मेथोडोलॉजी के मुद्दन्य विद्वानों को आमंत्रित कर रखा है, और मुझे मैं आश्वस्त हूँ, और नॉट ओनली आश्वस्त पर मैं श्योर हूँ कि आने वाले दिनों में जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनको बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छा ज्ञान संशोधन के क्षेत्र में मिलने वाला है। अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, एंड मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आप लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया, आप लोगों के साथ शरीक होने का मौका दिया, और मेरे विचार आप लोगों के साथ साझा करने का चांस दिया। सभी को पुनः पुनः धन्यवाद, और ये प्रोग्राम ह्यूज सक्सेस हो ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। योर ब्लेसिंग्स विल आल्सो मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग अस। प्रोफेसर अनूप ठाकर साहब हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि आयुर्वेद में कैसे रिसर्च बढ़े, और अब तो सर को ये महती जिम्मेदारी भी मिली है, तो सर के मार्गदर्शन में हम भी सर के साथ हैं। जैसा सर आगे मार्गदर्शन करेंगे हम इनमें सहायता करते रहेंगे। अब मैं इस जो मुख्य हमारा उद्देश्य था, जो हमारा आज का लेक्चर सीरीज है, मैं उस पर आता हूँ, ताकि जितने भी श्रोतागण हैं जो उत्साहित हैं आज के इस सेशन को सुनने के लिए, उनका भी इंतजार खत्म होगा। तो मैं आज के इस शोध विधि ज्ञान सप्ताह के प्रथम वक्ता, हमारे फर्स्ट एक्सपर्ट स्पीकर डॉक्टर नितिन शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर नितिन शर्मा जी SRM आयुर्वेद कॉलेज बरेली उत्तर प्रदेश के कायी चिकित्सा में विभागाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। डॉक्टर शर्मा जी रिसर्च में काफी महारत हासिल रखते हैं, कायी चिकित्सा के विद्वान हैं। सर ने रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स पर एक बुक भी पब्लिश की है, जिसको अगर आप लोग देखेंगे तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी और काफी जानकारियां उसमें मिलेगी। सर ने और भी पब्लिकेशन किए हैं, अगर तंत्र पे भी अपनी एक बुक है सर की, और सर ने कई रिसर्च पेपर भी पब्लिश कराए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय डॉक्टर नितिन शर्मा सर हमारे स्कॉलर्स को हमारा ज्ञानवर्धन करें। आदरणीय डॉक्टर नितिन शर्मा सर। नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज के चीफ गेस्ट प्रोफेसर अनूप ठाकर सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर, प्रोफेसर महेश व्यास सर, डॉक्टर किशोरीलाल शर्मा जी, डॉक्टर देवेन चाहर जी, डॉक्टर विनोद गौतम जी, डॉक्टर राहुल पारसर जी, और भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो इस शोध सप्ताह के विस्तारित परिषद राजस्थान के द्वारा संपन्न हो रहा है, उसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी पदाधिकारीगण एवं ऑल द ऑफिस बेयरर्स ऑफ विस्तारित परिषद स्पेशली राजस्थान, एंड ऑल माई को स्पीकर्स एंड स्पेशली टूडे स्पीकर डॉक्टर सुप्रिया भालेराव मैडम। सर्वप्रथम हमारा सौभाग्य है कि अनूप ठाकर सर का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। मैं आज की इसकी शुरुआत ही ऐसा करूंगा, मैं अनूप ठाकर सर को हमेशा सुनता रहा हूं पिछले कई सालों से, और उन्होंने काफ़ी टीचिंग के ऊपर भी हमें सेमिनार्स पंचकर्म के ऊपर दिए हैं, और उनका जो एक बेसिक टीचिंग और रिसर्च का एक पॉइंट रहता है कि हम स्टूडेंट को कन्फ्यूज ना करें और हम स्टूडेंट्स को चीज को समझाएं। वो काफ़ी अच्छी तरह टीचिंग में सब टीचर्स को समझाते हैं कि आप जब क्लास में जाते हैं तो आप बच्चों को और कंफ्यूज करके आ जाते हैं, फर्स्ट ईयर के टीचर हो, सेकंड ईयर के हो, फाइनल ईयर के हो, उनका मत रहता है कि रादर टू गिव द सॉल्यूशन वी आर मेकिंग द स्टूडेंट्स कंफ्यूज। तो बहुत ही अच्छा है, और आजकल मैं क्लास में जाने से पहले हमेशा उनको याद करता हूँ कि इस टॉपिक में जा रहा हूँ पढ़ाने, बच्चों को कन्फ्यूज नहीं करना। तो उसी पॉइंट में आज के इस सर्वप्रथम विस्तारित परिषद राजस्थान की यूनिट को बहुत बहुत बधाई। एक तो मैं आजकल बहुत वेबिनार्स कंडक्ट भी करता हूँ, अटेंड भी करता हूँ, देख रहा हूँ इतने स्पीकर जो 155 यहाँ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों की मेहनत और अच्छे आप लोगों ने कार्यक्रम जो संपन्न किया, आप सब बधाई के पात्र हैं कि इतने अच्छे संख्या में आप स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, एकेडमिशियंस को जोड़ पाए। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। माय स्क्रीन इज शेयर्ड सर? स्क्रीन शेयर हो गई सर? यस सर, यस सर। ओके ओके,
आज का जो हमारा टॉपिक डिवीजन है, क्योंकि काफी वास्ट टॉपिक है और उसको हम लोगों ने मेनली पांच पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे क्लिनिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी का, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसर्च प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर किस प्रायोरिटी एरियाज के अंदर रिसर्च आयुर्वेद में की जा सकती है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर एरर्स और बायस करते हुए आज का प्रोग्राम संपन्न करेंगे। तो इसके अंदर जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो रिसर्च प्रोसेस, सर वन एक अभी ऐसा था कि इंग्लिश, तो वेदर आई शुड टेक इन इंग्लिश और हिंदी एंड मिक्स ऑर्गेनाइजर्स कैन गाइड, सर मिक्स मिक्स यूज कर सकते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा दोनों टाइप के स्कॉलर्स हैं कुछ। ओके सर, मैं एक चीज बीच में आपको थोड़ा सा एक सेकंड इंटरप्ट कर, बोलिए। यस सर, यस सर, हमारे बीच में लगभग 238 रजिस्ट्रेशन हुए थे जिसमें से 50+ फैकल्टीज मेंबर हैं अपने साथ में, और बाकी स्कॉलर्स हैं, और कुछ लोग अपने इंटरनेशनली भी जुड़े हुए हैं, श्रीलंका से भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। जी सर, प्लीज सर कंटिन्यू करिए, थैंक यू। ओके, तो अवर टुडे क्लास विल बी मेनली डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स, एंड अवर मेन थीम टुडे विल बी ऑन द रिसर्च प्रोसेस एंड आइडेंटिफाइंग द प्रायोरिटी एरियाज ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। तो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, आई विल नॉट टेक दिस स्लाइड इन मच डिटेल। Only the point to be cleared here is that research, we all know that it is become with the two words re and search, and the search is of the truth knowledge. What is truth? That is the true knowledge, and the main point is that in that knowledge we have to find the cause and effect. That is the karya karan bhav. And research karya karan bhav. That is, we have to find the cause and effect, and in Ayurveda it is so. Told as the karya karan bhav. Already the things have been searched and we have to just revalidate it with special reference to Ayurveda truth, and confirm new setting, new era, change socio culture and economical there. We have to revalidate the things. Sometimes the blame is there. Two parts are there. One is academicians, one are practitioners. Both are necessary. Both are wonderful. Both are doing their part wonderfully. But the point is that what is that importance of research? Practitioners say that everything is written in the Sanhitas, and academicians just go behind the research. We have to just combine both of them when we can make the progress. The point is that in Sanhitas everything is there, but we have to revalidate it in the current scenario. So in perspective of Ayurveda, that research is important to find the cause and effect. It is mentioned in Ayurveda as a karya karan bhav, and we have to revalidate the things in our current scenario, present times. In research Ayurveda, we have to develop the contemporary evidence. I already explained. Research can be defined as a systemic and methodological activity to find the solution to the unresolved question. Research starts with the research question, and in Sanhitas, that spirit of the research is visible in every page, in every sloka, in every chapter of every Sanhita. In contemporary sciences, when we go for the research, we go in the question and answer format. We have to find the research question. And in Sanhita, if for example, if we see the Charak Sanhita, then it is in a question answer session. We have all seen. So already the questions are present, and the, after that observation, they have given the answers. So that is already mentioned in our Sanhitas. Parikso karino hi kushla bhavanti. Those alone are wise who act after investigation. In Charak Sutistan, 10th chapter and 5th sloka, it is mentioned that we have to act after investigation. It itself shows how the spirit of research is mentioned.
how the spirit of the research is incorporated in our sanitas. The acharyas have encouraged the intelligent people to struggle for obtaining new knowledge, exercising their power of reasoning, experiment, comparison, and judgment by taking clue from the texts. They have strongly condemned those who merely stick to the textual references. So, now, how to do the research? What is the answer for that? Rather than the questioning, we should give the solution, and that scientific methodology is the answer how to do the research. There are questions to be raised: what, why, how, who, and when. And in the thought process, what to do, why to do, how to do, who will do, and when to do. In that thought process, what means that the problem areas of which we will consider the area to be explored. Why? What are the reasons for their exploration? Why we are doing it? It will come in our aims and objectives. How, that is method of conduction. How we will do that? That is the materials and method. It is the bread and butter of any research. It is the medium, most important part, the methodology. How will we go with it? Who will do the research? That is the researcher, his or her team, and time, which is mentioned for that. Before going deep into the research, generally we are confused in the three parts: discovery, invention, and innovation. What is the difference between discovery? If we get the information about the thing which is already existing, that is called the discovery. For example, we are carrying out a chemical from a plant, that is discovery. And if we are creating, creation of the non-existing thing from the existing thing. Suppose the iron is there, and from that machine is taken, that is invention. And modifying on the thing which is already done, that is the X-ray machines. We are modifying the invention which is already there. That is, we are making the portable X-ray. So the things are clear. Three things and discovery. कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी किसी चीज से एग्जिस्ट हो उसको हम देखें तो वो डिस्कवरी कहलाएगी. जैसे पेड़ से किसी केमिकल को निकालना, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है और उससे किसी एक नई चीज को बनाना, वो इन्वेंशन कहलाएगी. जैसे लोहे से हमने एक्सरे मशीन बनाई और उसको और मॉडिफाई करना, वो इनोवेशन कहलाएगा. जैसे हमने एक्सरे मशीन को और पोर्टेबल एक्सरे मशीन बनाया. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड इनोवेशन. रिसर्च मेथोलॉजी के मॉडर्न के अपने पैरामीटर्स हैं, आयुर्वेद के अपने पैरामीटर्स हैं, एंड एज पर द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू गो विद इट, बट वी हैव टू बी अंडरस्टूड इन अवर ओन रिसर्च टूल्स. तो प्रमाण आज विच आर मेंशन, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आपतोपदेश, युक्ति प्रमाण, दे आर अवर रिसर्च टूल्स एंड दे आर कंसिडर्ड एज द मीन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन विच आर वेरी हेल्पफुल इन डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड फाइनली द ट्रीटमेंट. अब जब बात आती है प्रत्यक्ष प्रमाण की, तो वी हैव टू डू द रोग एंड रोग परीक्षा. तो दैट प्रत्यक्ष प्रमाण प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डाटा कलेक्शन. डाटा कलेक्शन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो भी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं रोग परीक्षा करके, रोगी परीक्षा करके, या इंटरव्यू मेथड से, क्वेश्चनर मेथड से, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द डाटा कलेक्शन. इट इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रत्यक्ष प्रमाण. और आज के जो मॉडर्न एडवांसमेंट्स हैं, जैसे सोनोग्राफी कर रहे हैं या हम कोलोनोस्कोपी कर रहे हैं, वो सब भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण का ही एक्सटेंशन है. और सेकेंड इज द अनुमान प्रमाण. It is the indirect knowledge which is based on inference gained from prior observation perception. अगर किसी की हमें अग्नि चेक, पावर ऑफ डाइजेशन चेक करनी है, तो हम उसकी पावर ऑफ डाइजेशन से हम उसकी अग्नि का अनुमान लगा सकते हैं. और दोष बॉडी के अंदर संचय, प्रकोप, त्रिदोष किस स्थिति में है, वो हम अनुमान प्रमाण से देखते हैं. तो ये भी एक टूल्स हैं हमारे आयुर्वेद के रिसर्च के. इनको हमें नेग्लेक्ट ना करते हुए, इनकी स्टडी को डीप करते हुए, और हर रिसर्च प्रोसेस के अंदर इनको इनकॉर्पोरेट करना है. आपतोपदेश बेस है प्रमाण्स का. ये ट्रांसेंड द रियलम ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस. और जैसे कि कॉन्टेम्परेरी रिसर्च में या आयुर्वेदिक रिसर्च में, दे आर एक दूसरे के पूरक हैं, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं. जो कॉन्टेम्परेरी साइंस की रिसर्च है, उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो पार्ट है, वो आपतोपदेश प्रमाण का ही एक अंग है. युक्ति प्रमाण की बात आई है. इन सभी तीनों प्रमाणों को एक लॉजिकल वे में रखते हुए अगर हम प्रपोज करेंगे आंसर को अननोन फिनोमेना का, तो उसको युक्ति प्रमाण कहा जाएगा. यानी कि एक मैनेजमेंट है ये हमारा थॉट प्रोसेस का, और जो इवेंट्स जो एक्चुअल टेक प्लेस हो रहे हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी प्रॉब्लम्स क्या आती है. हमने ज्यादा प्रॉब्लम्स पर डिस्कस ना करते हुए सॉल्यूशन के ज्यादा डिस्कस करेंगे जो मेरे अनुसार हैं.
या और लोगों से मैंने अपने टीचर से जो लर्न किया है, तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम आती है डोसेज की। डोज हमारे, हम कहते हैं कि रिसर्च के अंदर डोज जो है अलग अलग है या प्रकृति के अनुसार सब अलग है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी जैसे कहा जाता है सामान्य विशेष सिद्धांत हमारे यहाँ बताया गया, कुछ रिसर्च पेपर्स भी इस पर पब्लिश हुए हैं। जैसे किसी को संधिवात है तो मैक्सिमम अगर जनरल प्रिस्क्रिप्शन में योगराजगुल एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो वो अगर हमारा सामान्य है, जनरलाइजेशन है, तो जो विशेष है उसका अनुपान क्या होगा, उसकी मात्रा क्या होगी, डोज धातु मल के अनुसार प्रकृति के अनुसार उसकी मात्रा चेंज होती रहती है। तो दैट इज द सामान्य विशेष सिद्धांत आयुर्वेद के अंदर है। तो इट ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद की ड्रग्स के ऊपर, डोज के ऊपर, डिजीज के ऊपर रिसर्च नहीं की जा सकती, उसमें हमें आयुर्वेदिक प्रिंसिपल ही लगाना पड़ेगा। और वो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल क्या है, वो उसका सामान्य विशेष सिद्धांत है कि कुछ पार्ट उसका जनरलाइजेशन होगा और कुछ पार्ट उसका यूनिक होगा, जो विशेष होगा वो हर एक का अलग अलग होगा। इवन कंटेम्प्रेरी साइंसेज के अंदर भी आज भी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच डिजीज के ऊपर पेशेंट की आजकल इस पर चर्चा होने लगी है। कुछ ही टाइम में हम देखेंगे कि वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच कंटेम्प्रेरी साइंस में भी आगे हम लोगों को देखने को मिलेगी। सेकंड, एक थोड़ी प्रॉब्लम लोगों को रहती है ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ बेसिक पैरामीटर्स। बेसिक पैरामीटर्स ऑफ आयुर्वेदा आम है, बात है, पित है, कफ है, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट हम लोगों की प्रॉब्लम है। लेकिन इसका जैसे भी मैंने आपको बताया कि हम अग्नि से, जिस प्रकार से अग्नि का हम चेक डाइजेस्टिव उसकी पावर को देख के अनुमान लगा सकते हैं, तो उसी अनुमान प्रमाण से हम इसकी आगे रिसर्च करके, इसके क्वेश्चनर्स डेवलप करके हम आगे जा सकते हैं। एक थोड़ी प्रॉब्लम आती है आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स को एनिमल मॉडल्स के अंदर, अगर हम एनिमल स्टडी करते हैं तो थोड़ी ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि प्रकृति परीक्षण है, दोष है, धातु है, वहाँ पे हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। एक अगली प्रॉब्लम रहती है मल्टी इंग्रेडिएंट ड्रग्स की, कि एक हमारा जो कंपाउंड होता है उसमें कई सारी ड्रग्स होती हैं, कोई आसव है, कोई अरिष्ट है, कोई रसायन है, तो उसमें बहुत सारी ड्रग्स मल्टी इंग्रेडिएंट्स रहती हैं, तो विच ड्रग इज प्रोड्यूसिंग विच पर्टिकुलर रिजल्ट, इसको हमें ब्रॉट आउट करना पड़ेगा। लेकिन ये एक हमारा लैकुना ना हो के एक आयुर्वेद की स्ट्रेंथ है। कई बार ऐसा देखा गया कि अगर हम एक पर्टिकुलर ड्रग को ले रहे हैं, सिंगल ड्रग को ले रहे हैं, तो उससे कुछ साइड इफेक्ट हैं, लेकिन अगर हम उसको इस तरीके से हमारे आचार्यों ने उसको कंबाइंड किया है कि एक पर्टिकुलर ड्रग का जो साइड इफेक्ट है वो दूसरे वाली ड्रग के साथ किया जाता है, तो वो उसका जो कंपोनेंट है दूसरी ड्रग का, पहले वाली ड्रग के साइड इफेक्ट को काउंटरेक्ट करता है। तो ये जो मिक्सिंग की गई है वो इस तरीके से की गई है, और इसी को हम रीवैलिडेट करके आज की उसमें हम सबको सामने ला सकते हैं। एक और प्रॉब्लम रहती है कि सपोज कीजिए कोई डायबिटीज या हाइपरटेंशन का पेशेंट है, लेकिन वो उसके साथ साथ एलोपैथिक ड्रग्स भी ले रहा है, तो इस समय हम रिजल्ट वो आयुर्वेदिक ड्रग का आ रहा है या एलोपैथिक ड्रग का आ रहा है, ये भी एक हम लोगों की प्रॉब्लम फेस होती है, और हम लोगों की रिसर्च मेथोलॉजी में वो एक्सपर्टाइज नहीं होती है। ऑल्दो टुडे आई एम गिविंग द लेक्चर, बट आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू हियर ऑल द लेक्चर्स विद द अदर राउंड स्पीकर्स। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। टीचर और स्टूडेंट में यही अंतर होता है कि टीचर स्टूडेंट नो दैट इज स्टूडेंट, बट टीचर not knowing only, he is also a student. तो teacher remains student throughout the life. तो हम लोगों को पूरी लाइफ में आगे तक रिसर्च मेथोलॉजी को स्टडी करते जाना है, अपना एक्सपर्टाइज को बढ़ाते जाना है, और जिससे आज परिषद राजस्थान ने ये उठाया है तो हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, जिसके हमको इसकी काफी नॉलेज मिल सकती है। बस हम आगे हम रिसर्च प्रोसेस के ऊपर जाएंगे, उससे पहले रीजन्स क्या है कि हमारे पब्लिकेशन नहीं हो पा रहे आयुर्वेदिक फैकल्टी के कारण, कि हमें ऐसे रिसर्च की जानकारी की जरूरत क्या पड़ रही है। तो उसमें एक तो हमारा एक परसेप्शन है, दैट इज द रॉन्ग परसेप्शन, दैट ओनली ए फ्यू स्कॉलरली जर्नल्स पब्लिश द आयुष रिसर्च। ए लॉट ऑफ जर्नल्स, गुड जर्नल्स, यूजीसी इन केयर लिस्ट आल्सो, देयर आर मेनी जर्नल्स हु आर गोइंग टू पब्लिश द आयुष रिसर्च, तो देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ द रेनाउंड जर्नल्स फॉर पब्लिशिंग अवर रिसर्च, देयर आर एन नंबर ऑफ जर्नल्स। सेकेंड, अवर रॉन्ग परसेप्शन इज दैट नेगेटिव रिजल्ट्स आर नॉट पब्लिशेबल। ऐसा नहीं है, हमारा कोई रिसर्च का अगर नेगेटिव पार्ट आ रहा है, कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, तो वो भी पब्लिशेबल है, तो वो भी पब्लिश हो सकता है। तो ये भी हम लोगों को एक जानना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि नेगेटिव रिजल्ट आए, इवन फॉर द एमडी एंड पीएचडी थीसिस वर्क, रिसर्च वर्क, इवन इफ वी आर हैविंग सम नेगेटिव रिजल्ट्स, वी कैन गो एंड डॉक्यूमेंट इट एंड इट इज नॉट रॉन्ग, वी कैन गेट डिग्री इवन आफ्टर दैट। परसेप्शन दैट नो गुड रिसर्च इज पॉसिबल विदाउट गुड लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर ऑल एक्सक्यूजेज। We can simply, whatever the things are available, we can go with it. COVID time में हमारे पास काफ़ी challenges आए, but उसकी काफ़ी positive part भी आए, और उसी को ही जो अवसर के तौर पर जो हम लोगों ने बनाया,
सब पूरे सब लोगों ने, तो उसके कुछ पॉजिटिव पार्ट भी हम लोग के सामने आए। इसी तरीके से कोई गुड रिसर्च अगर हम पे लेबोरेटरी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा अवेलेबल नहीं है तब भी हम कर सकते हैं, बहुत टाइप्स की रिसर्च होती है, हम लोग आगे देखेंगे। लैक ऑफ रिसर्च लिटरेसी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। लैक ऑफ साइंटिफिक परस्यूट, दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच एंड वी हैव टू डेवलप इट दैट साइंटिफिक टेंपर एंड इट इज वेरी हेल्पफुल इन अवर प्रैक्टिस ऑल्सो। नॉट बींग अवेयर अबाउट द क्राइटेरिया टू बी फॉलोड बाई स्कॉलरी जनरल्स, तो किसी भी स्कॉलरी जनरल्स के पहले क्राइटेरिया उसमें पब्लिश रहते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर, अगर हम उनको स्टडी करेंगे तब हम आर्टिकल को भेजेंगे तो वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो वी हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट द आवर रिसर्च क्वेश्चन, देन आफ्टर द रिसर्च वी हैव टू सेलेक्ट इन विच आर्टिकल जनरल वी आर गोइंग टू पब्लिश इट एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी प्रिपेयर द रिसर्च पेपर, देन इट विल बी इजी फॉर पब्लिकेशन। तो हमारा अगला पॉइंट है रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स लाइक द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल्स एंड मेथड्स, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च। तो इन सारी पॉइंट्सों को देखते हुए हम रिसर्च प्रोसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि रिसर्च प्रोसेस कैसे हो, बेसिक पार्ट है लेकिन काफी हमारे एम डी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे हमारे इसमें, वो कैसे आगे रिसर्च को लेके जाएं उसके लिए काफी ये हेल्पफुल होगा पार्ट। सिलेक्शन और टॉपिक, हम कैसे टॉपिक को रिसर्च को सेलेक्ट करें, इट इज नॉट ओनली अबाउट द एम डी टॉपिक और पी एच डी टॉपिक, इवन इन द फ्यूचर ऑल्सो वी आर हैव टू गो टू रिसर्च प्रोजेक्ट्स हम लोग लेते रहते हैं तो उसमें भी हम एक तो टॉपिक को चुनने से पहले इट शुड बी ऑफ आवर इंटरेस्ट, जिस टॉपिक पे हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है तो वी शुड नॉट टेक इट, वी शुड अवॉइड इट, किसी के प्रेशर में या किसी को कोई ग्रांट आ रही है इसलिए हम उस प्रोसेस को ले लें। तो अगर हम टॉपिक अपनी इंटरेस्ट का लेंगे तो हम लोगों को एक एंथुसियाज्म बना रहेगा और उसके लिए हम रिसर्च अच्छी कर पाएंगे। सेकेंड है रेलिवेंस, वो टॉपिक रेलिवेंट भी होना चाहिए। सपोज कोई डिजीज इरेडिकेट हो गई है या उसके हमारे पर्टिकुलर एरिया में पेशेंट्स ही कम मिलते हैं तो वो यहाँ के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो हमें लेना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द रिसर्च, हमारे पास कितना टाइम ड्यूरेशन है रिसर्च का, हमारे पास कितना बजट है, हमारे पास कितने के पेशेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं, उसको देखते हुए उस मैग्नीट्यूड के अंदर ही अपना रिसर्च क्वेश्चन रिसर्च टॉपिक डिसाइड करना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा और इथिकल इश्यूज का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो इथिक्स, तो हर रिसर्च को पहले हमें इथिकल कमेटी से डिफरेंट टॉपिक एंड आफ्टर दैट गोइंग फॉर द इथिकल इश्यूज वी विल डू। These are the steps in the selection of topic. जिस चीज को मैंने एक्सप्लेन करा ये एक फ्लो चार्ट में है, पीपीटी में आप लोगों को बाद में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दिस पीपीटी इज इन द पब्लिक डोमेन एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। लैक ऑफ द टाइम आई विल जस्ट स्किपिंग एवरी पार्ट। वी हैव टू जस्ट डिसेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई अवर ओन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, देन वी हैव टू डिसेक्ट द ब्रॉड एरिया इनटू सब एरियाज, फिर उसके बाद हमें जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है उसको हमें सेलेक्ट करते हुए रिसर्च क्वेश्चन को रीच करना होता है और ऑब्जेक्टिव बनाते हुए हमें चेक करना। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इट ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड फोकस टू द रिसर्च, इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग ए मेथोडोलॉजी, उस टॉपिक के ऊपर आज तक क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या नॉलेज अवेलेबल है प्रीवियस में संहिताओं के अंदर, मॉडर्न की टेक्स्ट बुक्स के अंदर या जनरल्स के अंदर, या आज तक उस टॉपिक पे क्या क्या रिसर्च हुई है, वो सब का सब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे। उससे हम लोगों को अपनी फाइंडिंग्स को कॉन्टेक्चुलाइज करने में हेल्प मिलेगी, उस पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसके ऊपर हमारा नॉलेज बेस इम्प्रूव हो जाएगा और उसके अंदर जो कुछ चैलेंजेज उस पूरे प्रोसेस के अंदर आएंगे उसमें हम उनको दूर कर पाएंगे। Review of literature, existing literature के लिए हम सर्च करेंगे। I think I have already discussed it. Guidelines for writing up the literature reviewed. अब इस literature review को लिखना कैसा है? सबसे पहले हम जितना भी हमें matter मिलेगा हम उसको main theme में divide करेंगे। उस theme को हम छोटे छोटे सब headings के अंदर divide करते चले जाएंगे और उस main findings को हम record करेंगे जो हमारा sub heading है, और फिर उसके लिए for और against हम हर एक के लिए एक point लिखते जाएंगे
और उसमें जो गैप्स हैं, लैकुना रह गए, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर अपने परसेप्शंस को रखते हुए उस करंट रिसर्च में हम पुट करेंगे। यानी कि जो हमने थीम बनाई, सबसे पहले हम उसमें थीम बनाएंगे, उस थीम को हम सब थीम के अंदर डिवाइड करेंगे और उसके अंदर हम अपनी जो फाइंडिंग्स मिली हैं सब थीम के अंदर हम उसको नोट डाउन करेंगे और उसके अंदर फॉर और अगेंस्ट हमारा जो मत है हम लिखते जाएंगे और उसको लास्ट में कॉन्सेप्टलाइज करेंगे। इस तरीके से हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख सकते हैं किसी भी रिसर्च करने से पहले, इवन थीसिस में, डिसर्टेशन में, वी हैव टू पुट द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो वी हैव टू, सिंपल थिंग है, ज्यादा कठिन कुछ नहीं है। मेन थीम को लेंगे, उस थीम को हम सब हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे लॉजिकल प्रोग्रेशन के तहत, उसके अंदर हम जो हमें मेन फाइंडिंग मिली है हम उसको लिखते चले जाएंगे और हम उसमें रीजंस हाईलाइट करेंगे फॉर के लिए और अगेंस्ट के लिए और उन्हीं गैप्स को लिखते हुए हम आगे जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक एजम्पशन होता है, प्रेडिक्शन होता है, जो कि हमारा एक फिनोमेना जो रिलेशनशिप है या आगे ट्रुथ जो हम अभी नहीं जानते उसके बारे में हमारा एक एजम्पशन है। फॉर एग्जाम्पल योगराज उग्गल वर्क ऑन द संदिग्धवाद, ये हमारा एक एजम्पशन हो सकता है। अब हम ये हाइपोथेसिस बनाया, रिसर्च के बाद हम देखेंगे ये हाइपोथेसिस सही है या गलत है, इट मे बी राइट इट मे बी रॉन्ग। ये हाइपोथेसिस अभी हम जस्ट, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जा रहे हैं और हमारे पास हम कोलीग्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं या हमारा गाइड है, हम उनसे डिस्कस करके हाइपोथेसिस बना सकते हैं। हम पहले का डाटा देख सकते हैं, पहले के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं कि वो ये हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है। हम रिव्यू ऑफ द सिमिलर स्टडीज ले सकते हैं पर्टिकुलर एरिया में, या हम पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से हाइपोथेसिस बना सकते हैं। अब इस इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस की क्या है, ये पूरी रिसर्च के अंदर एक फोकस दे देता है हमको करना क्या है। तो इस हाइपोथेसिस से जब हमको पता लग जाएगा हमको इस फील्ड में काम करना है, तो इट गिव्स द फोकस टू द स्टडी और हमें राइट ट्रैक में रखने में हेल्प करता है। इट गिव्स एनहांस द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द स्टडी, क्योंकि हाइपोथेसिस है, ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब, जो कुछ न्यू स्टूडेंट्स होंगे मैं अगर नहीं समझ पा रहे, तो अगर किसी को पांडू है, एनीमिया है, तो उसके जो सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं रस से कि दैट इज ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव, लेकिन अगर उसका एच बी कम हो रहा है या हम उसको विजुअल एनालॉग स्कोर से भी हम 1, 2, 3, 4 करके मार्केट कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिविटी है। तो स्टडी के अंदर जितनी ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होगी स्टडी, उतनी ही हमारी सक्सेसफुल प्रिसाइज होने की संभावना बढ़ जाती है। इट इंडिकेट्स अबाउट द टाइप ऑफ डाटा जो हमें चाहिए और रिसर्चर को स्पेशली कंक्लूड की वो व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स, हाइपोथेसिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अवर पॉइंट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अगर हम एक लाइन में समझना चाहें तो हमें क्या करना है वो एम्स है और हमें कैसे करेंगे वो ऑब्जेक्टिव्स है। वेरी सिंपल, व्हाट एवर व्हाट वी वांट टू डू इज एम, हाउ वी विल डू इट, दैट इज ऑब्जेक्टिव। दैट इज वन लाइन डेफिनेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बट टू बी ब्रॉड, एम्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट व्हिच आर रिटन इन ब्रॉड टर्म्स and what we want to accomplish in the research. हम क्या करना चाहते हैं वो aim है और कैसे करेंगे वो objectives हैं। वो पूरे steps होते हैं कि इस step के बाद हम क्या क्या करते जाएंगे। Objectives use specific statements which define the measurable outcomes. Objectives should be smart, specific, measurable, achievable, realistic, time constrained. हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, वो टू द पॉइंट होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिनको हम मेजर कर पाए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम कॉन्स्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम में ही वो पूरे होने। That is the main theme of materials and methods. That is the study design, subjects and sample size. So, material and methods, जैसे मैंने पहले ही बताया कि किसी भी रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो स्टडी डिजाइन, हमारे आगे वाले फ्यूचर स्पीकर्स टोटली एक स्टडी डिजाइन के ऊपर बोलने वाले हैं, तो इसलिए उसके ऊपर हम डीप में नहीं जाते हुए कि हमारा जो डिजाइन है वो कैसा होना चाहिए, वो स्टडी डिजाइन किस टाइप, अलग अलग टाइप के स्टडी डिजाइन होते हैं आप फ्यूचर लेक्चर्स में सुनेंगे। सब्जेक्ट्स एंड सैम्पल साइज, हमें कितना सैम्पल साइज लेना है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल डाटा आने के लिए 30 कम से कम हमें लेने होते हैं, तो उसको हम डिसाइड करेंगे स्टैटिस्टिशियन से कंसल्ट करके। इथिकल अप्रूवल, हमें इथिकल आईईसी, इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमेटी होती है, उस समय इथिकल अप्रूवल लेना चाहिए इस रिसर्च को आगे करने के लिए, तभी कई जर्नल्स आपको इथिकल अप्रूवल के नंबर मांगते हैं। तो उसके लिए अगर हम किसी भी रिसर्च को पहले ही इथिकल अप्रूवल करा लेते हैं तो उसको आगे पब्लिकेशन तक ले जाने में हेल्प होती है।
हम लोकेशन ऑफ डाटा कलेक्शन, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे अगर हम इसको जान लेंगे अपना सिनॉप्सिस लिखने से पहले तो हमारी बहुत हेल्पफुल होगी कि हम डाटा को कहाँ से कलेक्ट करेंगे। नहीं तो इनिशियली हम लिख सकते हैं सपोज समवन इज वर्किंग इन द गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर, तो अगर कोई ऐसा लिख देता है कि हम वी विल टेक फ्रॉम द ओपीडी ऑफ द जोधपुर आयुर्वेदिक कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो हमारा कंस्ट्रेंट हो गया। लेकिन अगर हम उसके अलावा हमारे पास इतने पेशेंट अगर उस पर्टिकुलर डिजीज के नहीं है और उसके जो पेरिफेरल सेंटर्स हैं यूनिवर्सिटी के, अगर हम वहाँ से भी कहते हैं या कोई कैंप लगते हैं वहाँ को अगर मेंशन कर देते हैं वी विल टेक द पेशेंट्स फ्रॉम दिस कैंप्स और द पेरिफेरल सेंटर्स, तो वो हमारे लिए शुरू में ही बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, जिससे कि हमारा डाटा लेने में ईजी पड़ेगा। मेथड ऑफ रेंडमाइजेशन मैकेनिज्म टाइप ऑफ ब्लाइंडिंग, अलग अलग टाइप की ब्लाइंडिंग होती है, ये भी आप फ्यूचर लेक्चर्स में अंडरस्टैंड करेंगे। सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड, अगर हाँ पेशेंट को पता है कि वो कौन सी दवाई, पेशेंट को नहीं पता कि वो कौन सी ग्रुप में जा रहा है और डॉक्टर को पता है वो सिंगल ब्लाइंड है, अगर पेशेंट को भी नहीं पता और डॉक्टर को भी नहीं पता कि वो कौन से मेडिसिन ले रहा है दैट इज डबल ब्लाइंड, तो वो कौन सा हमें ब्लाइंडिंग टाइप लेंगे, कौन सा मैकेनिज्म लेंगे, वो सब हमारे मेडिकल मेथड्स में आता है। कौन से पेशेंट को इंक्लूड करना है, कौन से को एक्सक्लूड करना है, ये भी हमें पहले ही डिसाइड कर लेना होता है। चिल्ड्रन हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, उनको हमें लेना है नहीं लेना है, जो पेशेंट्स ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन या कोई और सिस्टम ऑफ मेडिसिन ले रहे हैं उनको हमें इंक्लूड करना है नहीं करना है, हमारी स्टडी की कितनी ड्यूरेशन होगी, क्या डिटेल्स होगा, क्या स्टैटिस्टिकल प्लान होगा, ये सब पहले ही हमें करना चाहिए। फिर ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, हाइपोथेसिस टेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा के, और बहुत अच्छा हमारे पास अभी आगे फ्यूचर्स में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो हैं CCRS में उनके द्वारा लेक्चर्स होने वाले हैं टॉपिक्स पे स्टैटिस्टिक्स पे, उनसे उठाएंगे और ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स देखेंगे। अब जब ये रिसर्च प्रोसेस पूरा हुआ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च, जब तक वो पब्लिश नहीं, एक स्लोगन है पब्लिश और पेरिश, या तो पब्लिश करो या खत्म हो, तो इसलिए अगर ये रिसर्चर की ड्यूटी है कि अपनी कम्युनिकेट करे अपनी रिसर्च को इफेक्टिवली इंटरेस्टिंगली और लेजिटिमेटली टू फेलो रिसर्चर्स लीगल अथॉरिटीज एंड जनरल पब्लिक, रिपोर्ट राइटिंग जिसके अंदर जनरल राइटिंग भी आएगा, ओरल प्रेजेंटेशन एंड पोस्टर प्रेजेंटेशन। रिपोर्ट राइटिंग के ये तीन पार्ट्स होते हैं, प्रिलिमिनरी पेज, मेन टेक्स्ट एंड मैटर। प्रिलिमिनरी पेजेस के अंदर टाइटल रहता है, नेम ऑफ रिसर्चर, पर्पज ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, ये सब पार्ट गो थ्रू इट लेटर। मेन टेक्स्ट कॉन्टेंट्स, इंट्रोडक्शन, ये हमारे जो पूरी रिसर्च है, अभी हम एक्चुअली आगे इसमें रिसर्च पेपर के हम वो देखेंगे कैसे बनता है, तब ये सारी चीज आएंगी, देयर विल आई विल टेल इन डिटेल। एंड मैटर इट कंटेन द बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेज एंड इंडेक्स। ओरल प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलोइंग द प्रिंसिपल शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल गिविंग द ओरल प्रेजेंटेशन, अपनी टॉक को हमेशा प्लान करते हुए ही हमें देना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ स्क्रिप्ट एज पर द टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस बनानी चाहिए, प्रेजेंटेशन और वेरियस एड्स जो विजुअल एड्स हैं लाइक PPT है एटसेट्रा, हम लोगों को उन सबको टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार यूज करना चाहिए। ये एक जनरल एक है कि किसी को प्रेजेंट देना है, आप MD स्टूडेंट्स हैं और आगे खूब प्रेजेंटेशन आपको देने होंगे, तो एक जनरल गाइडलाइंस हैं, इट कैन बी चेंज एज पर द टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस एंड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द सेमिनार कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप सिम्पोजियम, कि इस तरीके से हमें स्लाइड बनानी है कि वो क्लियरली विजिबल हो, बहुत सारे वर्ड्स भी ना हो, वी शुड नॉट रीड फ्रॉम वर्ड टू द स्लाइड, इट मेक द प्रेजेंटेशन बोरिंग, एंड टेबल शुड बी लिमिटेड फॉर द 4 columns एंड 7 lines। दीज आर द नॉट द स्टैंडर्ड रूल्स बट दिस जस्ट अ गाइडलाइन, वी कैन मेक देम अकॉर्डिंगली दैट सूट्स अवर प्रेजेंटेशन। जोसेफ टीजर, इन्होंने कहा पुट इट बिफोर देम ब्रीफली सो दे विल रीड इट, क्लियरली सो दे विल अप्रिशिएट इट, पिक्चर्सली सो दे विल रिमेंबर इट, एंड अबव ऑल एक्यूरेटली सो दे विल बी गाइडेड बाई लाइट। तो हमें इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि इट्स बिकम्स इंटरेस्टिंग। राइटर, रिव्यूअर और पब्लिशर, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं किसी भी साइंटिफिक नॉलेज को पब्लिश होने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि एक स्लोगन है पब्लिश और पेरिश, या तो हम उस रिसर्च को पब्लिश करें या उस रिसर्च करेंगे तो पेरिश हो जाएगी, क्योंकि वो एक जगह बंद हो जाएगी और उसका जो यूज सोसाइटी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। रिसर्च वर्क इज अंडरटेकन विद द मोटिव टू जनरेट न्यू नॉलेज, अनलेस दैट इज रिटन इन द साइंटिफिक मैनर एंड रिपोर्टेड इट विल नॉट बी एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड बाय द एक्सपर्ट्स। कॉन्टेंट ऑफ द वर्क नीड नॉट चेंज, ओनली द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज। आगे हम लोग देखेंगे सेमिनार पर क्या होता है, वर्कशॉप क्या होता है,
उनके अनुसार कंटेंट अगर रिसर्च का वो ही है, लेकिन फिर भी टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंस के अनुसार वो हमारा चेंज हो सकता है। रिसर्चर शेयर हिज वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म एट डिफरेंट टाइम्स, सेम वर्क कैन बी प्रेजेंटेड एट डिफरेंट टाइम्स। रिटन पब्लिकेशन इज ए काइंड ऑफ पासपोर्ट टू द साइंटिफिक वर्ल्ड, तो फॉर द साइंटिफिक वर्ल्ड टू एक्सेप्ट अस दैट रिटन पब्लिकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिसर्च कैन बी पार्ट इन वेरियस मेथड्स ऑफ पब्लिकेशन एज प्राइमरी इट कम्स आउट एज ए डिसर्टेशन और थीसिस विच मे बी कन्वर्टेड इनटू अ रिसर्च पेपर फॉर वाइडर रीच। हम पहले अपना अगर हम ऐसा ही नहीं जो एमडी कर रहे हैं वही केवल रिसर्च कर सकते हैं, इवन द केस रिपोर्ट्स व्हाटएवर द क्लिनिकल स्टडीज वी आर डूइंग इन आवर प्राइवेट प्रैक्टिस दैट कैन आल्सो बी डन फॉर द रिसर्च पर्पजेस। एवन कंटिन्यूज टू वर्क ऑन द सेम आइडिया एक्सप्लोर इट मोर, इट कैन बी पब्लिश्ड एज ए चैप्टर इन द बुक और बुक इटसेल्फ। अगर कोई टीचिंग में नहीं है, अगर कोई एमडी स्टूडेंट नहीं है, वो केवल एक क्लिनिशियन है और उसके बाद वो सीधे बीएमएस के बाद प्रैक्टिस में चला गया है, तो जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनका डाटा लेते हुए हम लोग केस रिपोर्ट्स में उसको पब्लिश कर सकते हैं। दे आर गेम चेंजर्स, दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर अदर फेलो डॉक्टर्स फॉर इम्प्रूविंग देयर प्रैक्टिस। उसके बाद अगर किसी ने एमडी करी है तो सबसे पहले वो डिसर्टेशन या थीसिस पब्लिश होगा, उसके बाद उसी को हम आगे बढ़ाते हुए रिसर्च पेपर में तरफ ले जाएंगे, और अगर हम उसी को कंटिन्यू एक्सप्लोर करते रहे और ज़्यादा तो वो एक चैप्टर के तौर पे बुक बन में कहीं पब्लिश हो सकता है। और अगर हमारा एक्सप्लोरेशन ज़्यादा है, हमारा टॉपिक वाइड है, तो इन इट्सेल्फ वो एक बुक का फॉर्मेट ले सकता है। डेजर्टेशन एंड थीसिस एक बहुत छोटी सी चीज़ है। डेजर्टेशन और थीसिस में अंतर क्या है, ये बहुत सिंपल है। अगर एमडी लेवल की जो रिसर्च है वो डेजर्टेशन कहलाती है और डॉक्टर लेवल की जो रिसर्च है वो थीसिस है। एंड एमडी लेवल का जो डेजर्टेशन है वो पार्ट ऑफ द आवर पासिंग सिस्टम है, हमारे थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके साथ साथ हमें रिसर्च को पब्लिश करना होता है, दैट इज डेजर्टेशन। और डॉक्टर लेवल पे सब कुछ हमारा उस थीसिस के ऊपर ही बेस है एंड इट इज कॉल्ड एज द थीसिस, तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। जैसे हम लोगों ने शुरू में देखा डिस्कवरी इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या अंतर है, तो ऐसा कई बार आगे तक हम लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि डिजर्टेशन क्या है थीसिस क्या है, तो सिंपल एमडी लेवल डिजर्टेशन, पीएचडी लेवल थीसिस। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द क्रीम ऑफ अवर एनी रिसर्च, कि अगर हम रिसर्च करते हैं उसके बाद वो रिसर्च पेपर के तौर पर पब्लिश होना चाहिए। एक आर्टिकल जो है, जनरली रिसर्च पेपर और आर्टिकल्स एक दूसरे के दोनों वर्ड्स एक दूसरे के लिए यूज कई बार होते हैं। एक आर्टिकल जो है वो जनरल ओवरव्यू देता है टॉपिक के लिए और जनरल में पब्लिश होता है। रिसर्च पेपर क्या होता है, वो जनरली फोकस ऑन द स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट विच इज कंडक्टेड आइदर इन लेबोरेटरी और ए क्लिनिकल सेटअप और इज पब्लिश इन द कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। इवन द रिव्यू पेपर्स होते हैं किसी को, अगर हम रिव्यू ऑफ द लिटरेचर इत्यादि करते हैं, तो लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के लिए पर्यायवाची तौर पर, सिनोनिम्स के तौर पर यूज जनरली होते रहते हैं। अब ये टाइप ऑफ आर्टिकल्स क्या है, अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, ओरिजिनल आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल। अगर किसी के पास कोई नया आइडिया है और उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रूफ्स और जस्टिफिकेशन के साथ, दैट बिकम्स काउंट एज द ओरिजिनल आर्टिकल। इट एड्स टू द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, एनी आइडिया वन हैज एंड इट्स एक्सप्लेनेशन वी आर एक्सप्लेनिंग इट विद अवर प्रूफ्स एंड जस्टिफिकेशन, इट विल बी कॉल्ड एज द ओरिजिनल आर्टिकल। एंड रिव्यू आर्टिकल इज द लिटरेचर रिव्यू एंड सिस्टम रिव्यू, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर। गाइडलाइंस टू सिस्टमिक रिव्यू का एक प्रिज्मा करके है, प्रीफर रिपोर्टिंग आइटम्स एज सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, आप इसको गूगल पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ से हमें एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस मिलती रहेंगी कि हम रिव्यूज कैसे लिखें। अब ये शॉर्ट कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार हम पूरा आर्टिकल नहीं लिख पा रहे तो एक शॉर्ट आर्टिकल के तौर पर उसको हम पब्लिश कर सकते हैं। स्मॉल एक्सपेरिमेंट हमारा कोई हुआ उसको हम पब्लिश कर सकते हैं। अगर एक ब्रॉडर रिसर्च एरिया है और उसके अंदर भी कोई छोटे छोटे वैलिडेशन पॉइंट्स हैं, तो उनको भी छोटे छोटे पार्ट को भी हम एक शॉर्ट कम्युनिकेशन टॉपिक कर सकते हैं। अगर किसी का एक रिसर्च है, थीसिस है, रिसर्च वर्क है, उसके अंदर से छोटे छोटे 3-4-5 पेपर्स, रिव्यू ऑफ आर्टिकल, रिव्यू ऑफ द ड्रग्स, रिव्यू ऑफ द डिजीज, और फिर क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर केस स्टडीज, ऐसे करके छोटे छोटे कई सारे रिसर्च पेपर्स उससे पब्लिश कर सकते हैं। और पब्लिशिंग द रिसर्च पेपर इज द वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं कई बार, वो बुक्स में, बुक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स में पब्लिश होते हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेज में बाद में जो पूरे पेपर्स हैं वो हमसे डिमांड करती है और वो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स के तौर पर छापती है। और दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज इथिकली ऑल्सो
एंड फॉर अवर इट इज रिक्वायरमेंट ऑल्सो एंड इट्स अवर ड्यूटी ऑल्सो रिक्वायरमेंट आजकल जितने आपके पब्लिकेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग ही एपीआई स्कोर से आपकी स्क्रूटनी होगी, आपका कैरियर ग्राफ भी आपके रिसर्च के बेसिस पे ही आगे जाने वाला है। तो ये सब जो कॉन्फ्रेंस है एस्पेक्ट में जैसे आप सब लोग अटेंड कर रहे हैं, यही हम अपनी हैबिट के अंदर इनकॉर्पोरेट करें और नॉलेज भी गेन करते रहें और अपना बायोडाटा स्ट्रॉन्ग करते रहें और कैरियर ग्राफ में भी उसके लिए हेल्प मिलेगी। तो हमें कैरियर ग्राफ के लिए रिसर्च करनी ऐसा नहीं है, लेकिन उससे हमें ये उसका साइड प्रोडक्ट के तौर पर हेल्पफुल होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च कॉन्टेंट और पब्लिकेशन, ये रिसर्च पेपर का है तो कोई भी अगर फर्स्ट पार्ट टाइटल है टाइटल एब्स्ट्रैक्ट एंड कीवर्ड्स, कीवर्ड्स एक एक्चुअली टू तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके रिसर्च पेपर के होते हैं। लोग ही कीवर्ड्स से सर्च करके आपके आर्टिकल तक पहुंच पाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट एक तरीके से विंडो है आपके रिसर्च पेपर की, वो जितनी अट्रैक्टिव होगी लोग आपके रिसर्च पेपर को उतना ही पढ़ना पसंद करेंगे। और मेन बॉडी के अंदर इंट्रोडक्शन होगा, मेथड्स हैं, रिजल्ट्स हैं, डिस्कशन है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ऑथरशिप ऑफ द आर्टिकल, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऑथरशिप ब्रिंग क्रेडिट टू द रिसर्चर एंड हैज प्रोफेशनल इंप्लीकेशन इन साइंटिफिक वर्ल्ड। जनरली पूछा जाता है आपके कितने पेपर्स हैं, अगर वो अच्छे जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश हुए हैं तो रियली इट्स एड्स ए गुड बोन टू योर बायोडाटा एंड इट यू आर रेस्पेक्टेड अलॉट फॉर दैट एंड बट देर आर सम बैड साइड्स ऑफ इट ऑल्सो। क्राइटेरिया ऑफ द ऑथरशिप वी विल डिस्कस देम। क्राइटेरिया ऑफ ऑथरशिप एक गाइडलाइंस है कि ऑथर किसको हमें कहना है। तो अगर किसी ने कंट्रीब्यूशन दिया है उस कॉन्सेप्शन को या डिजाइन करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए डाटा का इंटरप्रेट करने के लिए आप उसको ऑथरशिप दे सकते हैं। किसी ने आपके पूरे पेपर को ड्राफ्ट किया है या उसको रिवाइज किया है उसको ऑथरशिप दी जा सकती है। फाइनल अप्रूवल किसी ने किया है या कोई उस पूरे रिसर्च वर्क के लिए अकाउंटेबल है उनमें से आप किसी को ऑथरशिप दे सकते हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ये डिविजन्स हैं, कुछ घोस्ट ऑथर्स होते हैं, वी विल सी देम। मेन ऑथर, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर, गिफ्ट ऑथर्स एंड घोस्ट ऑथर्स। मेन ऑथर जिसका वो ओरिजिनल रिसर्च पेपर है, जिसने वो रिसर्च पेपर डिजाइन किया, दैट विल बी कॉल्ड इज अ मेन ऑथर। जनरली कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर और मेन ऑथर एक ही होते हैं, लेकिन समटाइम्स इफ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर्स मीन्स वन हु विल कम्युनिकेट अबाउट द पेपर टू द स्पेसिफिक जर्नल, ही विल सबमिट इट, ही और शी विल गेट द रिव्यू ओवर इट, व्हाटएवर द चेंजेस आर सजेस्टेड ही और शी विल इनकॉर्पोरेट इट एंड ही विल रीसबमिट, दैट इज नॉन द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर। गिफ्ट ऑथर्स, इफ समबडी हैज हेल्प इन आवर रिसर्च प्रोजेक्ट रिसर्च पेपर देन वी कॉल्ड एज द गिफ्ट ऑथर, बट जनरली इट इज नॉट एडवाइजेबल, वी शुड गिव देम एज ए एक्नॉलेजमेंट्स and they should be counted as the acknowledgements. And one is the ghost author, sometimes there are some bad sides of the research also that somebody pays some money to someone and these people are writing their research papers, these are known as the ghost authors. So these are our four type of authors. That is the oral presentation when we give already it is Sambhasa Vidhi, we have the full references of it in our Sahintaj and it is mentioned in the Vada. एक बहुत और कंफ्यूजन रहता है हम लोगों को कि सेमिनार क्या है, कॉन्फ्रेंस क्या है, वर्कशॉप क्या है, सिंपोजियम क्या है, सबमिट क्या है, और हम लोग काफी पास आउट होकर भी निकल जाते हैं लेकिन हम लोगों को पता नहीं रहता। तो एज ए स्टूडेंट्स और एज ए स्टार्टर्स ऑफ एट द स्टार्टिंग लेवल ऑफ अ करियर, कई बार हम लोग ऑर्गेनाइज भी करेंगे तो क्या चीज क्या होती है, वी शुड हैव सम आइडिया। ये सेमिनार एक एजुकेशनल नेचर में होता है, वो एक जैसे लोगों के साथ, ग्रुप ऑफ द पीयर साइंटिस्ट और टीचर्स के साथ अपनी ही फील्ड में डिस्कशन के लिए बनाया होता है। इट प्रिपेयर्स वन टू द फेस द ओपन डिफेंस, कहीं कोई क्वेश्चन आंसर रेज होते हैं तो इट प्रिपेयर्स वन टू फेस देम। वन शुड कॉन्स्टेंटली मेक एन एफर्ट टू रेस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस एंड टू रेज द क्वेश्चंस व्हेन वन अटेंड्स द सेमिनार। तो सेमिनार एक एजुकेशनल पर्पज के तहत होता है, इंस्ट्रक्शनल पर्पज के तहत होता है, और हम हमारे ग्रुप ऑफ पीयर साइंटिस्ट और टीचर्स के बीच में होता है, और वो एक हमको ओपन डिफेंस को फेस करने के लिए भी कहा जाता है। इसमें हमें क्वेश्चंस उठाने भी चाहिए, और अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम उसके आंसर देने की कोशिश भी करनी चाहिए। नोबडी इज परफेक्ट, इट डजंट मीन दैट वन हैज टू ऑल इन ऑल, बट वन कैन ट्राई एंड कैन। वर्कशॉप,
वर्कशॉप लगभग सेमिनार जैसा ही होता है, लेकिन द पॉइंट इज इट इज नॉट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड दैट इज नॉट डिटरमिनेशन, दैट इज डेमोंस्ट्रेशन. तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और डेमोंस्ट्रेशन के अंदर उसकी हेल्प होती है. नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इसमें लगभग 20 से 25 होते हैं. जनरली हम सार सूत्र हो गया, अग्निकर्म हो गया, या कोई पंचकर्म हो गया, इस टाइप से कोई वर्कशॉप अरेंज कर सकते हैं जहाँ पे हम पार्टिसिपेंट्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दें और डेमोंस्ट्रेशन जनरली उसके अंदर इनकॉर्पोरेट रहता है. सिंपोजियम क्या होता है? सिंपोजियम इट इज द हाईली इंटेलेक्चुअल गैदरिंग, लेकिन इसमें हमारी गैदरिंग क्या लगभग 100 तक ही रहती है. ये डिजाइन होता है सिंगल टॉपिक इन वन डे. अगर हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपोजियम ऑन वन पर्टिकुलर टॉपिक, फ्यू एक्सपर्ट, जनरली केवल 4 से 5 इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी स्पीच देते हैं. ड्यूरेशन उनका बड़ा होता है. इन द फ्रंट ऑफ द एक्सपर्ट ऑडियंस, ऑडियंस भी एक्सपर्ट होते हैं और जो लेक्चर देने वाले हैं वो अपनी स्पेशलिस्ट होते हैं. डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस हैपन एंड वाइड पावर ऑफ कंक्लूजन इज पब्लिश्ड, दैट इज द सिंपोजियम एक्चुअली. इसके बाद आती है कॉन्फ्रेंस. ये हाई लेवल पे या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इसमें ज्यादा होते हैं, बिगर वर्जन है सिंपोजिया का. एडवांसमेंट इन द साइंस कंटिन्यूअस फिनोमेना है, लेकिन ये उस तरीके से टेक्स्ट बुक के अंदर इतनी जल्दी चीज नहीं दिखाई देती जो एडवांसमेंट साइंस के ऑन द ग्रास रूट लेवल होते हैं. तो वो टेक्स्ट बुक तक आने में उसमें टाइम लगता है. वो चीज हम लोग कॉन्फ्रेंस में जाके लर्न कर सकते हैं. प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सचेंज होता है डिफरेंट फील्ड्स के बीच में. वो एक नेटवर्किंग में भी हेल्प करता है. नेटवर्क से हम लोगों को ज्ञान अर्जन में हेल्प मिलता है. इफ वन अटेंड ए कॉन्फ्रेंस विच इज रेलिवेंट टू वन फील्ड्स बट नॉट एक्जैक्टली वन फील्ड्स, इट इज एक्सपोज टू डिफरेंट नॉलेज स्फीयर. सपोज ए पर्सन ऑफ आयुर्वेदा इज अटेंडिंग ए डाइटिशियन कॉन्फ्रेंस, तो डाइटिक्स के जो जो पार्ट हैं वो भी उसको उस नॉलेज में गेन करने को मिलेंगे. तो दैट कम्स अंडर द कॉन्फ्रेंस. वो लगभग 3 से 5 दिन तक होती है. नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी उसमें ज्यादा होते हैं. कांग्रेस, ये बिग आप लोगों ने सुनाई है कि एनुअल कांग्रेस हो रही है, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हो रही है. तो बिग एनुअल और बाई एनुअल इवेंट है. अलग अलग एक्सपर्ट्स उसमें हमारे आते हैं और उसमें एक साथ कई पैरेलल सेशन, पब्लिक लेक्चर्स, कीनोट एड्रेस इत्यादि चलते रहते हैं. और इट इज जनरली अटेंडेड बाय द एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स फॉर क्रॉस फैकल्टी एक्सचेंज. और उसके कई बार उसमें प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप इत्यादि भी हम लोगों की अटेंड कर सकते हैं. और समिट क्या होती है? जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो जो अटेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द समिट. तो दिस इज जनरली अबाउट द रिसर्च प्रोसेस. दिस इज द पोस्टर दैट इज द ओरल प्रेजेंटेशन, दैट इज द कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स एटसेट्रा. वन इज इन द रिटन इन द फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द रिसर्च पेपर्स वी हैव डिस्कस्ड इट. इट ऑल कम्स इन द रिसर्च प्रोसेस ओनली. द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज द डिसमिनेशन ऑफ आवर रिसर्च एंड हाउ वी विल गो विद इट. At the initial level, if one is hesitant to speak, then one can go for the poster presentation. It included same things, IMRAD, matter research and discussion. It will go in this format. We can prepare a flex and we can put it in a conference, a special place designation for poster presentation, and we can start our research pursuit with these poster presentations. So this is just about our research process. Now one of the topic given to me was about the identifying the priority areas of Ayurveda. तो अब तक हम लोगों ने देखा कि रिसर्च क्या है. रिसर्च एक तरीके से दोबारे सर्च करना ट्रुथ को. ट्रुथ क्या है? जो नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और हम कॉज एंड इफेक्ट को सर्च कर रहे हैं, दैट इज द कार्य कारण भाव. आयुर्वेद के अंदर रिसर्च ऑलरेडी मेंशनड है. हर संहिताज के अंदर, हर श्लोक के अंदर उसकी स्प्रिट है, क्योंकि रिसर्च जो है रिसर्च क्वेश्चन से शुरू होती है और रिसर्च क्वेश्चन जो है वो हमारी जो संहिताज है वो जनरली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कहीं हम अगर चर्च संहिता इत्यादि को देखें तो हमें उसमें देखने को और सुनने को मिलता है. सेकंड पार्टी अग्र संग्रह जैसे है, कौन सा द्रव्य किस चीज में बेस्ट है, वो सब हमारे रिसर्च से डेवलप होकर संहिताओं में आया है. और संहिताओं की भी कमेंट्रीज चरक के ऊपर, सुश्रुत के ऊपर एक टाइम के बाद आती रही है, जो ऑलरेडी हमारी जो साइंस है उसका साइंटिफिक परस्यूट, रिसर्च परस्यूट जो है दिखाता है. उसके बाद हम लोगों ने रिसर्च प्रोसेस देखा. रिसर्च प्रोसेस के अपने अलग अलग पॉइंट थे. सिलेक्शन ऑर्डर टॉपिक से लेते हुए एम्स, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च प्रोसेस, देन अवर डिस्कशन, हाइपोथेसिस से होते हुए पब्लिकेशन, और लास्ट में उसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे. वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे कि हम ओरल कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, पोस्टर के तौर पे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, और हम रिटन फॉर्म में रिपोर्ट में कैसे लिख सकते हैं, या फिर हम रिसर्च पेपर के अंदर किस तरीके से लिख सकते हैं. और ओरल प्रेजेंट करते समय सिंपोजियम अगर है तो हम सिंपोजियम में क्या होता है, सेमिनार में क्या होता है, वर्कशॉप में क्या होता है, ये सब हमने देखा. अब हमें रिसर्च किस टॉपिक्स पे करनी है. रिसर्च की कई सारी टाइप्स हैं. फंडामेंटल रिसर्च, लिटरेरी रिसर्च, ड्रग रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, लिटरेरी रिसर्च इत्यादि जो है. अभी आगे फ्यूचर स्पीकर्स जो हैं हमारे वो अलग अलग दिन
एक एक कुछ रिसर्च देंगे भी। प्रायोरिटी एरियाज को देखते हुए हमारे प्रोफेसर रामहर सिंह सर ने एक स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनगोइंग आयुर्वेदा रिसर्च इज प्रोसीडिंग इन सच ए वे दैट इट इज ऑफ मोर वैल्यू टू मॉडर्न मेडिसिन देन आयुर्वेदा। इट डज नॉट स्ट्रेंथन आयुर्वेदा एंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। आयुर्वेदिक रिसर्च आउटकम्स हैव नॉट ट्रिकल्ड डाउन टू प्रोफेशनल्स यूज नाइदर टू बेनिफिट आयुर्वेदा स्टडीज और प्रैक्टिशनर्स। तो यानी कि रामहर सर के मत में कुछ रिसर्च हमारी आयुर्वेद की ऐसी भी हो रही है जिससे जो फायदा आयुर्वेद प्रैक्टिस को, आयुर्वेद स्टूडेंट्स को, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स को, आयुर्वेद के लोगों को होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो उसी क्रम में अब हम कहाँ कहाँ आयुर्वेद के एरियाज के अंदर रिसर्च कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। पहला पॉइंट है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च है रिसर्च वेयर द प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ द नेचुरल साइंस आर चैलेंज एंड टेस्टेड। कोई भी हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल साइंस के हम उनको चैलेंज दे सकते हैं, उस पर अपना वर्क कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। अब हमारे फंडामेंटल रिसर्च आयुर्वेद के अंदर फंडामेंटल रिसर्च कहाँ कहाँ हो सकती है, जैसे प्रकृति के ऊपर हम साइकोसोमेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर डिटेल्स कर सकते हैं। ये केवल एक फूड फॉर द थॉट है, केवल एग्जाम्पल्स हैं, इनसे हम अपना वो आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि हम वो रिसर्च कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे प्रकृति के ऊपर कर रहे हैं, कई जगह रिसर्च हुई कि जो मैरिज हो रही है हस्बैंड वाइफ की, तो हस्बैंड की क्या प्रकृति है, वाइफ की क्या प्रकृति है, क्या ऐसा कोई डाटा डेवलप हो सकता है कि किन दो लोग प्रकृति के लोगों की अच्छी दोस्ती आपस में रिलेशनशिप अच्छी होती है, इस टाइप से कुछ रिसर्च हम ले सकते हैं। हमारा अग्नि के ऊपर फंडामेंटल जो प्रोसेस है उसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। जो त्रिदोष हैं, सब धातु हैं, तीन मल हैं, जैसे हमने कहा एक लैकुना है कि इनका उस टाइप से क्वांटिफिकेशन होने में प्रॉब्लम रहती है, तो हम उस टाइप से हम इन जो बेसिक ये फंडामेंटल्स हैं इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस किस तरीके से हम इनको रखेंगे, हम उस पर देख सकते हैं। अग्नि को, प्रकृति को, त्रिदोष को, सब धातु को, तीनों मलों को, स्तोत्रस को, सार को। अगला पॉइंट है हमेशा प्रिपरेशन ऑफ द क्रिटिकल एडिशंस ऑफ द टेक्स्ट। हमारे जो टेक्स्ट हैं, हमारे जो क्रिटिकल एडिशंस हैं, उन पर्टिकुलर टेक्स्ट का जो क्रिटिकल एडिशंस हैं वो भी हम लोग किसी भी संहिताज का, किसी भी चैप्टर का क्रिटिकल एडिशन भी हम प्रिपेयर करके हम उसको पब्लिश करके फंडामेंटल रिसर्च के आगे जा सकते हैं। और आयुर्वेद एपिस्टेमोलॉजी यानी कि जो प्रमाण वाला पार्ट है आयुर्वेद का, उसमें भी एक्यूरेट कितना उसका ट्रांसलेट करके हम उसको फंडामेंटल रिसर्च में पार्ट दे सकते हैं। तो इन पॉइंट्स के अंदर हम फंडामेंटल रिसर्च को आगे ले जा सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा लिटरेरी रिसर्च। इसको हम थोड़ा भी पहले देख चुके हैं। इट इज अ मींस ऑफ एनलाइटिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड वेरीफाइंग द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम्स ऑफ प्रीवियस रिसर्च विद द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, एंशियंट साइंस एंड फिलोसफी। इट इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, कंपाइलेशन, कोरिलेशन, असेसमेंट एंड क्रिटिकल पार्ट विच रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब प्रोबेबल एरियाज हमारे लिटरेरी रिसर्च में क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे आयुर्वेद के अंदर जेनेटिक्स का रेफरेंस कहाँ कहाँ आता है वो हमारे लिटरेरी रिसर्च में आता है। हेरिडिटी के क्या क्या कंडीशंस हमारे आयुर्वेद में हैं, ये दीज आर जस्ट एन एग्जांपल्स, एंड आफ्टर फाइंडिंग दीज एग्जांपल्स दीज आर जस्ट द फूड फॉर थॉट एंड वी कैन गो फॉर अदर टॉपिक्स आल्सो। हेरिडिटी के रेफरेंस हमारे यहाँ कहाँ कहाँ है, हेरिडिटी कंडीशंस के रेफरेंस कहाँ कहाँ है, ये पूरा हम लिटरेरी रिसर्च कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फूड इंटरेक्शंस क्या क्या हमारे आयुर्वेद के अंदर बताए गए हैं, भारत के संस्कार का क्या क्या वेरिएशन है, एक इस टॉपिक के ऊपर ले जाके हम पूरे लिटरेरी रिसर्च को आगे ले जा सकते हैं। ड्रग रिसर्च ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोकल एरिया के अंदर कौन कौन से जो लोकल ट्रेडिशंस के हैं, कम्युनिटीज हैं, लोकल फॉक कम्युनिटीज हैं, फॉक ट्रेडिशंस हैं, वो किस किस पर्टिकुलर ड्रग में क्या क्या, पर्टिकुलर व्याधि में क्या क्या ड्रग दे देते हैं, उसका हम डाटा लेके उसके ऊपर अगर हम कोई एक रिसर्च करते हैं और हम देखते हैं कि उसको हम एज ए साइंटिफिक डॉक्यूमेंट करते हुए आयुर्वेदिक रेपर्टरी यानी कि एक आयुर्वेदिक डिक्शनरी टाइप में हम उसको आगे आयुर्वेद की चीज में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो लोकल ट्रेडिशंस हैं उनके पास कई बार बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन की नॉलेज रहती है। चरक के अंदर भी रेफरेंस है, आप जिपा करके शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर में इसका रेफरेंस है, वी कैन लर्न फ्रॉम देम। तो उस तरीके से हम उनसे लर्न करके और उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। कोई भी अगर कोई ड्रग हमारे पास नहीं है उसकी कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हम डेवलप कर सकते हैं अननोन ड्रग की या किसी न्यू ड्रग की रेफरेंस की और किसी व्याधि के अंदर भी वो कामगार है, तो उस चीज़ का हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं।
टू यूज द नॉन ड्रग्स फॉर न्यू एप्लीकेशन इन न्यू मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीज. आजकल नए नए तरीके के डिजीज हमें आते रहे, उनके अगर रेफरेंस डायरेक्ट हमारे संहिता में नहीं है तो भी उन जो अवेलेबल ड्रग्स हैं उसमें कौन कौन सी ड्रग्स हमारी पर्टिकुलर चीज के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं उसका हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं. टू डेवलप द न्यू डोसेज फॉर्म्स हम डेवलप कर सकते हैं, फार्माकोडायनामिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, और साइड इफेक्ट्स जो हैं या टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स हैं उनके ऊपर भी हम एक पर्टिकुलरली अपनी रिसर्च को आगे लेके जा सकते हैं. जो हमारे विष द्रव्य बताए गए हैं उनको कितनी मात्रा में यूज हो या उनके विष द्रव्य का विषमता जो है कैसे दूर हो उस चीज के ऊपर भी हम आगे रिसर्च कर सकते हैं. नाम रूप विज्ञान में आएगा कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ प्लांट शुड बी क्लियर. कई बार कौन सी उसका फैमिली और लैटिन नेम के अनुसार कौन सा वाला पर्टिकुलर प्लांट है उसके अगेंस्ट में भी हमारी कुछ कंट्रोवर्सी जो हैं उन कंट्रोवर्सीज को भी रिजॉल्व आउट करते हुए हम उनके ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं. विच टाइप ऑफ रासना इज मोर इफेक्टिव इन पैसिफाइंग वाटर. सात टाइप के रासना बताए गए, उसमें कौन सा पर्टिकुलर रासना जो है हमारे वात को कम करने में हेल्प करता है इस टाइप की टॉपिक्स के ऊपर भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं. तो एक जनरली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू में बताया गया कि हम लोग जो दिया गया था कि आइडेंटिफाइंग द कोर एरियाज ऑफ रिसर्च, तो उसमें फंडामेंटल रिसर्च के हम लोगों ने देखा, तो ये ड्रग रिसर्च के ऊपर उसका टॉपिक है. हम संग्रह काल करते समय कि पर्टिकुलर दिशा में या पर्टिकुलर उस काल के अंदर अगर हम उसका संग्रह करते हैं तो उसके रिजल्ट ज्यादा आते हैं क्या, उसके ऊपर हम पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, उसको रिवैलिडेट कर सकते हैं. जैसे अगर हम हरिद्रा को अगर हम रात में कुछ तोड़ते हैं तो उसके अंदर जो कुरकुमिन की अमाउंट है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी है, वो ज्यादा होती है जो कि दिन में तोड़ी जाए उसके मुकाबले. तो इस सब का हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कर सकते हैं. और प्रयोग विज्ञान कंपैरिजन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द सेम ड्रग विद डिफरेंट अनुपान. एक पर्टिकुलर ड्रग है लेकिन उसका अलग अलग अनुपान में या अलग अलग डोसेज फॉर्म में क्या क्या यूज हो सकता है वो हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ड्रग को अगर अलग अलग अनुपान के साथ दिया जाता है तो किस टाइप से उसका इफेक्ट होता है वो हम आगे देख सकते हैं. और फिर इम्पोर्टेंट पार्ट है कि क्लिनिकल रिसर्च. क्लिनिकल रिसर्च इन्वॉल्व द क्लिनिकल स्टडीज, केस स्टडीज. हम छोटे लेवल पे सिंगल केस स्टडी पब्लिश कर सकते हैं, हम कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं, हम लार्ज डाटा लेके लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स लेके एक पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं. यहाँ चैट बॉक्स में आ रहा है कि प्लीज प्रोवाइड विद द प्रेजेंटेशन पीपीटी आई हैव ऑलरेडी सेंड टू द ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे विल बी शेयरिंग विद यू, यू कैन ऑल टेक इट, नो प्रॉब्लम, इट इज फॉर शेयरिंग ओनली. तो हम लोगों ने जो अभी कोर एरियाज देखे रिसर्च के, फंडामेंटल रिसर्च जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं, दोष धातु मल प्रकृति, इसके ऊपर हम रिसर्च करते हुए वो फंडामेंटल रिसर्च में गए. लिटरेरी रिव्यू के अंदर हमारी संहिताज के अंदर हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए लिटरेरी रिव्यू में गए. उसके बाद जो हमारी ड्रग रिसर्च थी हमने देखा कि पर्टिकुलर ड्रग अलग अलग अनुपान के साथ अगर दी जाती है डिफरेंट डोसेज फॉर्म में दी जा सकती है. हम संग्रह काल के ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं. हम रेफरेंस है कि वनस्पति को तोड़ते समय हमें उसे स्प्रे करना चाहिए, अगर हम उस तरीके से किसी वनस्पति को इकट्ठा करते हैं तो क्या उसके इफेक्ट ज्यादा आ जाते हैं क्या. पर्टिकुलर संग्रह काल में जो बताया गया, पर्टिकुलर दिशा में जो कलेक्ट करने के लिए बताया गया किसी वनस्पति को, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या उसके रिजल्ट ज्यादा आ जाते हैं. तो इस तरीके से हम लोगों ने हम ड्रग रिसर्च को आगे लेके जा सकते हैं. जो क्लिनिकल स्टडी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है, नॉट लाइक वन इज बेटर देन अदर, एक दूसरे के पूरक हैं. जो क्लिनिकल स्टडी है जो लोग प्रैक्टिस में है वो इजीली अपनी जो भी डाटा है उसको हम पब्लिश कर सकते हैं, और सिंगल केस स्टडी भी कर सकते हैं, और हम लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स के ऊपर भी कर सकते हैं. तो आई थिंक आई 10 मिनट का टाइम और है मेरे पास, तो आई एम जस्ट गोइंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन. कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी हैं, जैसे घृत है या स्प्राउट्स है वो हमारी बॉडी के लिए हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है, इसके ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं. इसमें हुई भी है, जैसे घृतपान कराया जाता है स्नेहपान पंचकर्म से पहले, तो एक उसमें लिपिड प्रोफाइल का पॉइंट है, कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है क्या, लेकिन उसमें रिसर्च ऑलरेडी ऐसी हुई है कि अगर हम उसके बाद जो हम अपना मेन शोधन है वमन या व्रेशन कराते हैं तो जो लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो बढ़ा हुआ नहीं रहता, वो बैक टू नॉर्मल रहता है. तो इस टाइप की रिसर्च हो भी चुकी है, हो रही है, और आगे भी हम लोग कर सकते हैं. स्प्राउट जो हैं वो
एक साइंस कहती है बॉडी के लिए अच्छे हैं, एक साइंस कहती है दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इन सारी जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो ये मिसलेनियस पार्ट हैं, हम इनको भी धीरे धीरे हम काउंटैक्ट कर सकते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है बायस का, योर आईज सी व्हाट योर माइंड नोज। हम जैसे अंदर से होते हैं या हम जो ऐसा सोचते हैं वैसा ही हम देखते हैं। किसी को हम कहा जाता है कि लाल चश्मा पहना तो लाल दिखाई देगा, हरा चश्मा पहना तो हरा दिखाई देगा। इन द सिमिलर वे व्हाट एवर वी हैव इन अवर माइंड वी जस्ट सी फ्रॉम इट। फीलिंग स्ट्रांगली फेवरिंग वन साइड इन एन आर्गूमेंट, प्रीडिस्पोजिशन। फीलिंग स्ट्रांगली फेवरिंग वन आइटम इन ए ग्रुप एंड डेरिविएशन और डिस्टॉर्शन कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन। इट रिफ्रेन द रिसर्चर फ्रॉम ट्रू कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य कारण भाव से वो हट जाता है और उसके माइंड के अंदर एक पर्टिकुलर किसी के लिए बायस, बायस यानी किसी का फेवर करने की अगर वो रहती है तो जनरली वो बायस के अंदर काउंट होगा। सर आई हैव टू एंड एट 6:30 और व्हेन? तो जी कर रोज तो गुड़िया ने जो करा है तो गाल दिए अल में फोन कर दूँ। मेरा आपका बोलो क्या? तेरा तो खराब ही रहता है। 6:30 ओके सर, 10 मिनट्स आर मोर आई विल फिनिशिंग टाइम। आवर नेक्स्ट आवर टॉपिक इज टाइम और टाइप्स ऑफ द बायस। सर आप कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। 6:40 से 45 तक का समय है अभी अपने पास आपका, पर्टिकुलर स्टडी ग्रुप। जब हम पेशेंट्स को हम शुरुआत में डिजाइन बायस में ही ये प्रॉब्लम हो जाती है, बायस करते समय रिक्रूटमेंट स्टेज पे ही हम एक अगर जो पेशेंट ठीक हो सकता है उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर डाल देंगे, अगर हमारा शुरू से ही बायस है तो वो डिजाइन बायस कहलाता है। यानी कि अगर दो पेशेंट हैं, एक सीवियर है और एक को हमें लगता है कि ये वो ठीक हो सकता है, तो अगर जो हमें ऐसा लग रहा है जो ठीक हो सकता है उसको हम अपने फेवर दिए जाने वाले अगर ग्रुप में डाल देते हैं तो वहाँ पे जो बायस होने की संभावना रहती है वो डिजाइन बायस कहलाती है। अवर सेकेंड पार्ट इज मॉनिटरिंग और मेजरमेंट बायस। It happens when researcher tends to give a soft corner to the study group at the time of assessment of the effect of treatment. जब हम data collect कर रहे हैं तो last में अगर हम visual analog score से 1, 2, 3, 4 से marking कर रहे हैं, for example कि इस समय pain उसका क्या है, पहले 4 पे था तो इस समय 3 पे है या 2 पे है, लेकिन अगर उसमें हमने अगर किसी ने जो monitor कर रहा है अगर उसने उसको 3 की जगह 2 कर दिया तो जो एक भी marking आई वो long term में बहुत बड़ा bias बन जाता है। तो इस तरीके से अगर मॉनिटरिंग या मेजरमेंट जो बायस हो रहे हैं उससे भी हमारी जो रिसर्च का आउटकम है वो बायस्ड हो जाता है, वो सही नहीं आ पाता है। तीसरा हमारा एक जो बायस का टाइप रहता है वो है पेशेंट और वॉलंटियर बायस। यानी कि पेशेंट्स या वॉलंटियर जो हैं वो कई बार नोइंगली और अननोइंगली, कई बार गलती से भी उनको याद नहीं रहता कि पहले हमारा पेन कैसा था, तो इसलिए जो पहली बार में भी जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है वही हमें अगली बार भी लेके बैठना चाहिए पेशेंट के सामने कि उसने पहले क्या कहा था। तो क्योंकि कई बार पेशेंट्स भी या वॉलंटियर्स टेंड्स टू फॉरगेट द थिंग्स, तो जो उसकी सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स हैं उसको हम अगर हम याद नहीं रखेंगे पेशेंट या वॉलंटियर्स जो हैं कि हमारे पहले कितना पेन था या पहले कितनी सीवियरिटी ऑफ डिजीज था, तो भी एक बायस हो जाता है वो पेशेंट्स के लेवल पर हो सकता है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि उसने पेशेंट ने बीच में कोई मेडिसिन ली नहीं है, अगर हमारी आयुर्वेदिक रिसर्च है अगर हमने पथ्य का कहा है तो उसने पथ्य लिया ही नहीं है, उसने बीच में मेडिसिन कुछ दिन ड्रॉप आउट कर दिए, लेकिन अब जो वो रिजल्ट दे रहा है वो उसी टाइप का दे रहा है कि उसका जो पेन था वो थोड़ा ही कम हुआ है, 25% ही कम हुआ है, लेकिन उसका बायस ये हो गया कि उसने मेडिसिन ली नहीं है। अगर मेडिसिन लेता तो हो सकता है 25 की जगह 75% कम होता, तो ये भी एक बायस का ही टाइप आएगा। अगला है स्टैटिस्टिकल बायस। It happens of a selected technique is inappropriate for the problem. अगर statistics के level पे कोई problem होती है तो वो statistical bias आएगा। और investigator के level पे अगर कोई है कि वो over enthusiasm में आके कि उसको positive results ही दिखाने हैं तो वो subconsciously, knowingly और unknowingly participants को influence करता है और अपना जो solution है उसको manipulation की तरफ ले जाता है। अगर investigation है उसका वो रिसर्च कर रहा है तो ही विल ट्राई दैट हिज और हर रिसर्च शुड कम विद द पॉजिटिव रिजल्ट्स ओनली
And with that outcome in the mind of the positive results, he can do the bias. I have already told that if your research results are negative, and if they are showing that it is our negative part is showing that this particular drug is not effective in that particular disease, then it is also a part of research. उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उससे कोई psychological pressure मानने की जरूरत नहीं है. It is just a part of research. अब इन bias को दूर करने का सॉल्यूशन क्या है? एक तो रैंडमाइजेशन है एंड ब्लाइंडिंग है. रैंडम की अलग टेक्निक्स हैं, ब्लाइंडिंग की अलग टेक्निक्स हैं. बट इन द शॉर्ट आई विल जस्ट वांट टू कन्वे रैंडमाइजेशन पेशेंट्स को हम रैंडमाइजेशन का ऐसा मेथड अपनाते हैं जिससे कि हमारा बायस होने के चांसेस कम रहेंगे. अलग अलग मेथड हो सकते हैं. सिंपल एक चिट मेथड भी है जैसे उसमें पेशेंट चिट को पिक करता है और वो कौन से ग्रुप में जा रहा है, दैट विल बी बेस्ड ऑन दैट चिट. तो इस टाइप से वो एक मेथड रैंडमाइजेशन का जो कि हमारा फ्री ऑफ द बायस हो, हमारे हाथ में ना रहे कि हम पर्टिकुलर पेशेंट को कौन से ग्रुप में भेजेंगे. अगर ऐसा रहता है तो हमारा जो बायस होने का चांस है वो कम हो जाता है. दूसरा पार्ट है ब्लाइंडिंग, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द बिफोर आवर लेक्चर्स दैट वन इज अ सिंगल ब्लाइंड स्टडी, वन इज अ डबल ब्लाइंड स्टडी. तो इन सिंगल ब्लाइंड द पेशेंट डज नॉट नो इन विच ग्रुप इन विच ड्रग इट इज टेकिंग, बट अ डॉक्टर नोज. एंड इन डबल ब्लाइंड नाइदर द डॉक्टर नॉट द पेशेंट्स नो. So if it is going to double blind study, it is very much helpful to avoid the bias. ये हम लोग already देख चुके हैं slide में पहले ही. कुछ एक मिसलेनियस जो part research के हमारे रह गए थे, तो research related to the विष द्रव्याज जो हमारा ये हम लोग already देख लेंगे. तो दो part इसमें जो miss थे वो veterinary science और हॉर्टिकल्चर साइंस को लेके भी जो नए डेवलपमेंट्स हमारे रिसर्च के जो फील्ड पर भी ज़्यादा काम नहीं हुआ है लेकिन वो कर सकता है. तो आयुर्वेदिक वेटनरी साइंस के ऊपर भी हम लोगों का वर्क किया जा सकता है, रिसर्च के एरिया को डेवलप किया जा सकता है. और जो न्यू एरियाज हैं कॉस्मेटिकल साइंसेज हैं, ब्यूटी केयर है, कुकिंग है, इनके अंदर भी हम लोग अपनी साइंस को डेवलप कर सकते हैं. और आयुर्वेद हॉर्टिकल्चर साइंस हॉर्टिकल्चर के अंदर जैसे अगर बच्चा को अगर हम स्वर्ण के रोग के साथ या स्वर्ण पार्ट से अगर वो उसके ऊपर बच्चा क्लाइम करती है तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो इफेक्टिवनेस इंक्रीज रहती है. तो इस टाइप की जो रिसर्च है उसको भी हम लोग आके लेके जा सकते हैं. तो ये हमारे पार्ट हैं. डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम सर का स्टेटमेंट है, एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड माय रिसर्च एंड वन ऑफ द स्पेशल कैंडिडेट गोज टू डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम सर. इन आवर कॉलेज डेज इन पुणे ही हैज कम वंस टू सिम्बियोसिस कॉलेज एंड देयर आई पर्टिकुलरली गॉट द वेरी मच चांस टू आस्क फ्रॉम हिम हाउ टू व्हाट टू डू फॉर प्रोपोगेटिंग एंड ग्लोबलाइजेशन टू आयुर्वेदा एंड ही गिव्स अ वेरी वेरी एलोबरेट आंसर फॉर दैट डायरेक्टली टू मी दैट how a molecule of allopathic science or other contemporary science before coming to the market, how many clinical trials, how the way it goes, and then that product comes out after the extensive research. In the final way, he told that the main theme for Ayurveda to go ahead is that research. So it is his statement only that the so by taking an inspiration from him, we also go for the research in Ayurveda. And this is a statement given by him at some other time. The best research will give the best teaching, and the best teaching will give the best research. And the best research will give the best teaching, and the best teaching will give the best research. The part of that is before presenting any lecture or before teaching, most of are the MD students, which are going to be teacher in the future. So before giving any lecture, if we are preparing our lecture after extensive research, then it will be very helpful and it will automatically that teaching part will give part to the research. And the best teaching will give the best research. And if we do the teaching at the best side, then it will be good. The best teaching will give the best research. The part is coming in the chat box for null and alternate hypothesis. Actually, very broad part that in hypothesis, we have to purposefully leave it behind that our future statisticians are going to speak on that also in the future. That purposefully we have left it out from the our part that
hypothesis and that errors part. So by that inspiration, I'm just winding out. I will just wind up our lectures that we have started. And our lectures, शुरुआत में हम लोगों ने research के बारे में देखा. दोबारे उन्हीं part को revalidate करना है. आयुर्वेद के उन्हीं concepts को हम लोगों को जो हमारे principles, जो हमारी संहिता में बताई गई हैं, उनको आज के अनुसार, आज की contemporary lifestyle के अनुसार उसको revalidate करने के लिए हम लोगों को research की आवश्यकता है. एक के बाद एक संहिता उसके ऊपर कमेंट्री जाती चली गई. कई कमेंट्रीज हमारे पास अवेलेबल हैं अग्र संग्रह में या महा कसाय चरक में वर्णित हैं. उनके अलग अलग जो ये रेफरेंस वो सब एक एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद ही अवेलेबल हुए हैं. उसी स्पिरिट को आगे लेते हुए हमें रिसर्च को लेके जाना है. उसके बाद हम लोगों ने एक्सटेंसिव रिसर्च प्रोसेस को डिटेल में देखा और उसके बाद हम लोगों ने प्रेजेंटेशन कैसे देना है, रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश होना है. रिसर्च पेपर के अंदर लास्ट में एक रेफरेंसेस का पार्ट है, वो भी टाइम के लिए मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर थोड़ा सा टाइम बच रहा है तो हमारे किसी भी रिसर्च पेपर को अगर हम सबमिट करते हैं पब्लिकेशन के लिए तो वैनक्यूवर या हार्वर्ड स्टाइल एज पर द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर जर्नल वो हमारे पास रहते हैं. और उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर ही हमें रेफरेंसेस को हमें पुट करना होता है जिसके लिए वो पब्लिकेशन होने में ईजी पड़े और वो हमारा आर्टिकल रिजेक्ट ना हो. तो वो ऑलरेडी इफ यू विल गो ऑन द गूगल ICMG की गाइडलाइंस हैं मेडिकल जर्नल्स की कि वो किस तरीके से हमें रेफरेंसिंग करनी है. तो आफ्टर प्रिपेयरिंग अवर पेपर उसी पर्टिकुलर स्टाइल के अंदर हमें रेफरेंसिंग करनी है. आजकल उसके कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रेफरेंस में करने में. उसके बाद हमें पेपर किस तरीके से प्रेजेंट करने चाहिए. अगर हमें पेपर स्टार्टिंगली वाला प्रेजेंटेशन से प्रॉब्लम है तो वी कैन जस्ट गो विद द पोस्टर प्रेजेंटेशन. लगभग हर बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर पोस्टर प्रेजेंटेशन एक पार्ट रहता है और वो तो हम लोगों को रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करना चाहिए. और उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों को अपना पेपर प्रेजेंट भी करना है और पब्लिश भी करना है. जैसे पब्लिश और पेरिस वाली बात है तो सारे रिसर्च जो हम लोग करें उसको हम जितना पब्लिश करेंगे वो और सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. और लास्ट में जो हमने पोटेंशियल एरियाज देखे हमारे रिसर्च कहाँ कहाँ हो सकती है, फंडामेंटल दोष धातु मल प्रकृति को क्वांटिफिकेशन करना है या लिटरेरी रिसर्च हमारी जो संहिता है क्रिटिकल हमें आस्पेक्ट्स उस पर किसी का चैप्टर के ऊपर हमें क्रिटिकल एनालिसिस करना है. जैसे फॉर एग्जांपल संहिता के अंदर रक्त एक दोष है या नहीं है तो एक किसी ने क्वेश्चन उठाया उसके बाद उस पर ये हुआ लास्ट में वैलिडेट यही हुआ कि तीन ही दोष मेन है वातपित कफ. तो इस टाइप का जो इवन संहिताज के अंदर भी जब वात कला कली अध्याय है जिस तरीके से वो लिखा गया उस स्पीड में जो पित्त के ऊपर या कफज व्याधि के ऊपर वो चैप्टर नहीं है लेकिन आगे चलते हुए में वो चैप्टर उस तरीके से पाए गए. तो वो एक प्रोग्रेस है इसको हमें आगे लेते हुए. So I think my time is up. Thankful to all the team of Isarif Research, especially the Rajasthan whole team, which has worked so hard and arranged such a wonderful lectures. It was speedy because I have to cover many points. Therefore, only I have just leave out certain parts of that topic. Yeah, I know it was speedy because to cover the many parts on the topic. In the presentation itself, if some part is not able to understood, I can re-explain that particular part if somebody wants to. Whatever we have discussed today, if in that part, if somebody wants to have to repetition of that particular part, I can repeat it. आज हमने जो बोला लोग कह रहे हैं वो बड़ा fast था, काफी ज्यादा topics एक साथ cover करने थे इसलिए वो fast हो पाया. इसीलिए हम लोगों ने null hypothesis, alternate hypothesis, others को मैं touch नहीं किया time की कमी होने के कारण. और अगर आज के टॉपिक के अंदर किसी को जो टॉपिक हमने अभी किए हैं उसमें से किसी को कोई टॉपिक दोबारा अगर है तो मैं शॉर्ट में उसको दोबारा अगर कोई करना चाहे तो पूछना चाहे जो हम टॉपिक आज डिस्कस किए उसमें से तो वी कैन जस्ट गो फॉर इट. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर अ नाइस लेक्चर. इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस एंड ऑल आवर स्कॉलर्स. And now I would like to invite Dr. Devendra Chahar, our convener, for question session. Okay. Thank you, Dr. Vinod ji. सबसे पहले मैं हमारे आज के चीफ गेस्ट ठाकर सर और रद्दे गुरु जी व्यास सर को नमस्कार करता हूँ और सभी अपने अग्रजों को प्रणाम करते हुए आज के सेशन में
नितिन जी ने बहुत ही अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दिया और ज्यादा से ज्यादा विषय को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है, जो अपने जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया है। उनके टॉपिक से रिलेटेड तो कहीं भी कोई क्वेश्चन बच्चों का नहीं है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर नितिन जी ने बताया है, उनका दो बाद का टॉपिक था जो हाइपोथीसिस से रिलेटेड था, वो समय कम पढ़ने की वजह से और टॉपिक ज्यादा होने की वजह से वो उसे छूट गया, वो उस पर नहीं बोल पाए, लेकिन क्वेश्चन उसी रिलेटेड है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन उनका पहले वाला जिसमें उन्होंने प्रेजेंट किया उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि एरर और प्रॉब्लम ऑफ वाइस क्या है, वो जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें सर। वो बच्चे ने रिक्वेस्ट भेजी है, तो एरर और प्रॉब्लम्स ऑफ वाइस। हेलो, हाँ सर, नितिन जी सर, चैट में एरर तो मेरे को क्लियर हो रहा है, सेकंड वर्ड क्या है सर? प्रॉब्लम्स ऑफ वाइस, वीआईसी कहाँ? वीआईएएस। अच्छा, वो आई थिंक वीआईएएस है, वो बायस ही है वो। हाँ, वाइस ना हो गया, वो वी की जगह उसने प्रिंट करते समय वो बी की जगह वी टाइप हो गया लग रहा है। ठीक है सर, एरर्स एक्चुअली फिर भी काफी क्वेश्चन दो टॉपिक छोड़े उसमें से ही आ रहे हैं, लेकिन आई विल ट्राई टू टेल अबाउट इट। एरर्स हमारे दो हैं, सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स। जनरली एरर्स हम लोग जब रिसर्च शुरू करते हैं तो कई बार कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसमें एरर्स होने की संभावना रहती है। जिस तरीके से हमने बायस में देखा उसी तरीके से एरर्स के पार्ट भी है, वो नॉन सैम्पलिंग एरर्स की साइड रहता है। कई बार अगर हम क्वेश्चनरी बनाया और हम क्वेश्चन पूछने पेशेंट्स के पास जा रहे हैं तो कई बार नॉन रेस्पोंडेंट्स लोग भी रहते हैं जो कि रेस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, और उसके कारण भी हमारे पास एरर आने की संभावना है। नॉन रेस्पॉन्स इन इटसेल्फ विल गिव सम स्पेस फॉर द एरर। तो स्टार्टिंग से जब से रिसर्च शुरू हुई और जब तक हमारी रिसर्च जा रही है तब तक भी पूरी हो रही है, तब तक जो लेवल पे हम लोग जो डाटा कलेक्ट हो रहा है उसके अंदर भी कई बार एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही, उसके कारण भी एरर्स आएंगे, नॉन सैम्पलिंग एरर्स। दूसरी टाइप के एरर जो होते हैं स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम के तहत होते हैं, टाइप वन एरर होता है और टाइप टू एरर होता है, टाइप वन एरर एंड टाइप टू एरर। उसके कारण अगर हमारा नल हाइपोथेसिस है जो हमने लिया है अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो इट लीड्स टू वन टाइप ऑफ एरर एंड अनदर इज द सेकंड टाइप ऑफ एरर। तो कई बार हमारा स्टैटिस्टिक रिलेटेड एरर रहते हैं और कई बार हमारे टेक्निकली जो हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं जो या कोई कैंडिडेट या वॉलंटियर या पेशेंट रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है उसके कारण एरर आ सकते हैं। तो वन इज द स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम एंड अनदर इज द नॉन स्टैटिस्टिकल। एंड टाइप वन एंड टाइप टू, अगर नल हाइपोथेसिस हमारा सही है, इफ इट इज फॉल्स एंड वी से थिंक इट इज ट्रू देन इट इज लीड टू वन टाइप ऑफ एरर, and if we think it is true and it is false then it leads to another type of error. So ye short mein hai is type ke errors ke type mein keh sakte hain. Okay sir, thank you, aapka bahut bahut dhanyawad, bahut bahut aabhar, aapne apna keemti samay nikal karke hamare students ko bahut acha apna presentation diya. Sabhi achchon ko, bachchon ko aapka presentation bahut hi acha laga, shandar. Aur umeed hai sir jab bhi hum aapka kahin सहयोग लेंगे आप अपना सहयोग हमें देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर, थैंक्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू देवेंद्र चाहर जी, आवर कन्वेनर डॉक्टर देवेंद्र चाहर ही हैं जिन्होंने पूरा लेक्चर के सिलेबस डिसाइड किए हैं और टॉपिक डिसाइड किए हैं।